Hello friend, welcome to our academy. Let's get an ESC, India's largest learning platform. And I am Gaurvind Singh. And today I am going to discuss carburetion and injection system. Important topic for ESC, engine services and civil services man. It is not in gate. आज हम ये डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस और इसका कार्बोरेशन का और जो भी रिलेटेड डेरिवेशन है वो भी देखेंगे. आज के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं. दिस इज मी, आई एम गोविंद सिंह फ्रेंड, आई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ. मैं 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट एसी पी एस सी एमटेक एट दिल्ली से 13 में, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 एंड एसी रिटन क्वालिफाइड 14 एंड 15 क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13. And download an academy learning app for more information about the special class schedule, about the upcoming courses and about the top educator. Or आप जो special class है, आप से related जो होने वाली important सभी की update आपको इस app के थ्रू मिल जाएगी. Download it and subscribe it. And take an academy subscription or academy subscribe करने के क्या advantage हैं यहाँ पे देखते हैं. फिर यहाँ पे daily live classes होती है. यहाँ पे daily live classes होती है तो आप किसी भी educator के साथ interact कर सकते हो, कोई भी doubt पूछ सकते हो. Real time interaction होता है एजुकेटर एंड स्टूडेंट के बीच में, तो आप अपना कोई भी डाउट कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं. एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, और क्लास एज पर शेड्यूल लगाई जाती है, तो आप अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान कर सकते हो. अनलिमिटेड असेसमेंट, अगर आप एक बार अनकेडमी सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में आप किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो, देख सकते हो, वीडियो डाउनलोड. दिस इज द गेट एंड डीएससी सब्सक्रिप्शन चार्ज. फिर यहाँ पे देखिए 12 मंथ है तो चार्ज है 25,000. आप मेरा रेफरल कोड डालते हो GSUS, तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है और फ्री हो जाती है आपकी 22,500. इसी तरीके से अगर 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो आप तो फीस है 30,000. अगर आप मेरा रेफरल कोड डालते हो GSUS तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है और फीस हो जाती है 27,000. एंड फ्रेंड वन मोर अनाउंसमेंट कि गेट एंड ईएससी की फीस बढ़ने वाली है, सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ने वाला है, तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो इस मंथ में सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, ठीक है ना. और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप फाइनल ईयर पास आउट हो कम से कम आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करें. आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में के स्टूडेंट हो तो कम से कम 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है ना. पर ये स्पेशल क्लास की लिंक हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं करा चुका हूँ एज पर गेट गेट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सभी टॉपिक है. यहाँ पे आपको ये देखिए एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम, साइक्रोमेट्री, ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं गेट के हिसाब से. आप इन सभी टॉपिक को सुन सकते हो, देख सकते हो. दिस इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑफिसर फ्रेंड, तो ये आपका यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल कोर्स है, आप इसको देख सकते हो. और मैं अभी एक क्रैक कोर्स भी लेके आ रहा हूँ फॉर गेट 2021 फ्रॉम अक्टूबर बिगनिंग, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च. एंड दिस इज RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ये भी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल पूरा सब्जेक्ट है, आप इसको भी देख सकते हो. पावर प्लांट इंजीनियरिंग फॉर गेट एंड ESC बोथ, एंड दिस इज सब्जेक्ट प्ले लिस्ट. फैन तो चार सब्जेक्ट जो मेरे द्वारा यूट्यूब पे कंप्लीट कराए जा चुके हैं, RAC, पावर प्लांट, मेटल कास्टिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च. And this is the upcoming schedule YouTube friend. Upcoming schedule YouTube. YouTube पे जो upcoming schedule है वो है ये. देखिए आज 28 सितंबर को हम पढ़ रहे हैं कार्बोरेशन इंजेक्शन सिस्टम. अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कार्बोरेशन इंजेक्शन सिस्टम. 29 को हम पढ़ेंगे इंजन इमिशन एंड देयर कंट्रोल. 30 को पढ़ेंगे हम सुपर चार्जिंग, और इसके साथ ही आईसी इंजन यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाएगा. इसके बाद आईसी इंजन में कोई लेक्चर नहीं होगा. दिस इज द लास्ट लेक्चर, 30 को जो होने वाला है, ठीक है ना. और ये कल मैं एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ टूल मटेरियल्स एंड टेरस टू लाइफ इक्वेशन, क्योंकि गेट में आप देखो हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर गेट 2021. आप ये टॉपिक भी कल ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, और जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 10 to 11 AM मॉर्निंग, ठीक है ना, टुमेरो 29th को, आप इसको देख सकते हो. दिस इज द लिंक. आज हम पढ़ेंगे कार्बोरेशन एंड इंजेक्शन सिस्टम. कार्बोरेशन का थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आइडिया होगा, मैं बता चुका हूँ. जैसे कार्बोरेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस. कार्बोरेशन हैपेंस इन द इक्विपमेंट कॉल्ड एज कार्बोरेटर. तो कार्बोरेटर आप बहुत फेमिलियर हो गए, अगर आप गाड़ियाँ चलाते हो, अगर बाइक चलाते हो, आपने कार्बोरेटर सुना ही होगा, ठीक है ना. तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर, पहले हम ये समझ लेते हैं. कार्बोरेशन कार्बोरेटर का मतलब क्या है, ठीक है. कार्बोरेटर में जो प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं कार्बोरेशन.
कार्बोरेशन का मतलब सिंपली अगर हम बात करें फ्रेंड, सिंपल क्या है, कार्बोरेशन इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, डेफिनेशन, कार्बोरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है कार्बोरेशन, क्या है, एक प्रोसेस है फ्रेंड कार्बोरेशन, हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कार्बोरेशन, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबसिबल, फॉर्मेशन ऑफ कंबसिबल एयर फ्यूल मिक्सचर बाय मिक्सिंग द सिंपल है फ्रेंड द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, विथ एयर बिफोर एंटर इनटू द इंजन सिलेंडर, सिंपल। मैं अब इसको फिर से एक बार देखिए फ्रेंड, कार्बोरेशन इज द प्रोसेस जनरली हैपेंस इन गैसोलीन इंजन लाइक पेट्रोल इंजन, तो कार्बोरेटर डिवाइस होता है जिसमें कार्बोरेशन होता है, व्हाट इज कार्बोरेशन देन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबसिबल, कंबसिबल जिसको हम जला सके, कंबसन हो सके जिसका, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंबसिबल एयर फ्यूल मिक्सचर बाय मिक्सिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल, बाय मिक्सिंग अ व्हाट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बाय मिक्सिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल विथ एयर बिफोर एंटर इनटू द इंजन सिलेंडर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोरेशन, सिंपल वर्ड में बोले तो कंबसिबल एयर फ्यूल मिक्सचर बनाना, कार्बोरेटर का क्या पर्पज होता है, कार्बोरेशन, और कार्बोरेशन मतलब होता है सिंपल कंबसिबल एयर फ्यूल मिक्सचर बनाना जो कि बर्न हो सके इंजन सिलेंडर में एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप जनरली रिच एयर फ्यूल मिक्सर लेते हो, मतलब आप फ्यूल क्वांटिटी ज्यादा लोगे, ठीक है, जिससे पावर आपको ज्यादा मिल सके, तो ये डिपेंड करता है आपको किस कंडीशन में किस तरीके का मिक्सचर चाहिए, तो ये प्रॉपर मिक्सचर भेजना और बनाना कंबसिबल एयर फ्यूल मिक्सचर ये काम है कार्बोरेटर का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोरेशन, ठीक है ना, एंटर इनटू द इंजन सिलेंडर द डिवाइस डिवाइस व्हिच परफॉर्म डिवाइस विच परफॉर्म इट्स फंक्शन, जो ये फंक्शन करती है इज नोन एज कार्बोरेटर, सिंपल, जो ये फंक्शन करता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर, जो कि आपका फैमिलियर वर्ड है, आपने काफी जगह का नाम सुना होगा, तो प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन जो होती है फ्रेंड, प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन, तो यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे कहीं पे बता देता हूँ, प्रोसेस ऑफ जो कार्बोरेशन होती है बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ जिन पे ये डिपेंड करती है, फैक्टर ऑन विच कार्बोरेशन प्रोसेस डिपेंड, नंबर वन इंजन सिलेंडर या इंजन स्पीड, सिंपल सॉरी इंजन स्पीड, इंजन स्पीड पे डिपेंड करती है, कितनी स्पीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपका एयर फ्यूल मिक्सर चेंज होता है, तो कार्बोरेशन प्रोसेस इंजन स्पीड पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल। दूसरा, कार्बोरेशन और किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, वेपोराइजेशन, फ्रेंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना, वेपोराइजेशन अगर आपका प्रॉपर होगा तो आपके लिए फायदेमंद है, कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है ना, कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे वेपोराइजेशन, एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल प्रॉपर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, सिंपली जैसे हीटअप हो तो वेपर फॉर्म में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, तो इट इज बेनिफिशियल टू यू, और जब वेपोराइजेशन अगर प्रॉपर होगा तो बर्निंग प्रॉपर होगी, ठीक है, तो एटोमाइजेशन एंड वेपोराइजेशन इज वेरी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ठीक है, जिस पे आपका क्या कार्बोरेशन प्रोसेस डिपेंड करती है, ठीक है, तो वेपराइजेशन कैरेक्टर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, ठीक है, ये याद रखना, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है, ये फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल, ठीक है, ये एक ही वर्ड है, थर्ड फैक्टर। तीसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, अगर टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर आपका ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन एटोमाइजेशन प्रॉपर होगा, आपकी बर्निंग प्रॉपर होगी, कार्बोरेशन प्रोसेस प्रॉपर होगी, मतलब उतनी अच्छी मिक्सिंग होगी, कार्बोरेशन मतलब क्या, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबसिबल बनाना, होमोजीनियस बनाना, ठीक है, जिससे कि उसका बर्निंग प्रॉपर हो सके,
ठीक है। अब ये टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर जितना ज्यादा होगा उतने आपके लिए अच्छा है। तो ये इफेक्ट करता है, मैं आपको ऐसे फैक्टर बता रहा हूँ, वो आगे हम देखेंगे इन सभी चीजों को। ये वो फैक्टर है जिन पे कार्बोनेशन प्रोसेस क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कार्बन प्रोसेस को, ये वो फैक्टर है, सिंपल। ठीक है, थर्ड, इसके बाद फोर्थ, मैं ये आपको ऊपर लिख रहा हूँ, फोर्थ फोर्थ डिजाइन ऑफ कार्बोरेटर। ठीक है, डिजाइन ऑफ, ऑब्वियसली बात है, डिजाइन ऑफ कार्बोरेटर ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये चार इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जिन पर प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन इज डिपेंड। ठीक है, हम आ जाते हैं किस तरीके से कार्बोरेटर दिखता होगा, क्या कार्बोरेटर, किस तरीके से कार्बोरेटर के डायग्राम पे, यहाँ पे देखिए एयर यहाँ से आपकी, ये आपको जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे देखिए, दिस एरिया, इसको हम बोलते हैं वेंचुरी। क्या बोलते हैं? वेंचुरी। देखिए है ना, दिस वेंचुरी, वेंचुरी मीटर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, डिस्चार्ज फ्रॉम द वेंचुरी मीटर, वही वेंचुरी है यहाँ पे, ये वेंचुरी है। ठीक है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना येलो कलर, ये दिस इज द जेट, दिस इज द फ्यूल जेट। यह क्या है, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, फ्यूल जेट, दिस इज द फ्यूल जेट। ठीक है, ये फ्लोट चैम्बर है, यहाँ पे आपका फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है ना, ये फ्लोट आर्म्स है, ठीक है, ये आपका फ्लोट वाल्व है। अब यहाँ पे देखिए ये थ्रोटल वाल्व है, ये वो पार्ट होता है किसी भी गाड़ी का, जैसे आप बाइक की बात करता हूँ, बाइक आप सभी लोग चलाते हैं, बाइक में आपके हाथ में एक्सेलेटर होता है, एक्सेलेटर को जब आप घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो क्या स्पीड बढ़ती है, बेसिकली आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, बाय कंट्रोलिंग द एक्सीलेटर यू आर कंट्रोलिंग द थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व को आप घुमा रहे हो, कम और ज्यादा कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दिस अ फ्लो ऑफ एयर इज मेंटेन। ठीक है ना, जितनी ज्यादा यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी, ठीक है ना, समझिए आप, उतना ज्यादा कम प्रेशर रहेगा, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस द फ्यूल सक्ड इनटू दिस वेंचुरी एंड दिस फ्यूल एंड एयर विल मिक्स अप एंड गोज टू द इंजन सिलेंडर। तो थ्रोटल वाल्व का काम क्या है, एज पर द रिक्वायरमेंट आप क्या करते हो, जैसे आप ये समझिए आप किसी स्लोप पे बाइक को चढ़ाते हो, ठीक है ना, बाइक को जब आप स्लोप पे चलाते हो सिंपल, तो आप क्या करते हो, एक्सीलेटर हमेशा आप बढ़ाते हो ना, प्रेस द एक्सीलेटर, तो एक्सीलेटर को आप जैसे प्रेस करते हो, आप मतलब रोटेट करते हो, तो आपका आसानी से बाइक स्लोप पे चढ़े, मतलब आपने क्या किया, इंजन की पावर को बढ़ा दिया जिससे कि आसानी से उस स्लोप पे चढ़ सके। ऐसे समझ लीजिए कि आप तीन लोग यहाँ पे बैठे हो, थ्री पर्सन सिटिंग ऑन द बाइक, बाइक पे थ्री लोग हो आप, तीन पर्सन हो, तो अगर तीन पर्सन हो तो आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर ज्यादा देना पड़ता है, मतलब पावर रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है व्हेन यू आर अप्रोचिंग द स्लोप। ठीक है, या मैं बोलूँ फ्लाई ओवर होते हैं आपके, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप जब भी चढ़ोगे और तीन लोग बैठे हो बाइक पे, तो यू हैव टू इंक्रीज द एक्सीलेटर। एक्सीलेटर इंक्रीज मतलब आप थ्रोटल वाल्व को कंट्रोल कर रहे हो, तो आपके हाथ में जो रहता है वो थ्रोटल वाल्व रहता है। इनकेस ऑफ फोर व्हीलर वो उसको आप लैग से कंट्रोल करते हो, ठीक है ना, तो आप देखा होगा आपने, तो एक्सीलेटर प्रेस करते हो तो आपका फ्यूल सप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होती है। वहाँ बेसिकली आप कंट्रोल किसको करते हो, एक्सीलेटर से थ्रोटल वाल्व को, सिंपल, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये कंट्रोल किया अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस मेंटेन होता है, ठीक है ना, तो कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका ये एयर आप कितना लेना है, फ्यूल कितना लेना है, इट्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर पावर आपको ज्यादा चाहिए तो फ्यूल की सप्लाई आपको ज्यादा करनी होगी, तो ये सब आपके यहाँ पे सेटिंग होती है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूल यहाँ पे इन होता है। और फ्यूल इन होने का प्रिंसिपल बेसिक क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस द फ्यूल विल इंसर्ट इनटू दिस वेंचुरी, ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो एज पर द रिक्वायरमेंट उस हिसाब से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, और उसके हिसाब से आपका फ्यूल फ्रेंड फ्यूल मीटर मीटर जेट से आता है, सिंपल। एज पर द रिक्वायरमेंट आप रिक्वायरमेंट कैसे पता चला, एज द यू आर कंट्रोल द थ्रोटल, आपने थ्रोटल को कंट्रोल किया, थ्रोटल वाल्व को, अकॉर्डिंग टू दैट प्रेशर इज मेंटेन हियर, प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से अ फ्यूल इज सक्ड इनटू दिस वेंचुरी, और उसके अकॉर्डिंग फ्यूल आएगा, एंड देन फ्यूल विल मिक्स अप विद दिस एयर, एंड फाइनली यहां से जो आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड, यहां से जो आएगा आपका फ्यूल प्लस एयर, अ मिक्सचर एज पर द रिक्वायरमेंट, यहां से कमिंग फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, यहां पे एक पोर्शन और लगा रहता है, ये क्लीनर है, चॉक वाल्व, देखिए चॉक वाल्व है, दिस चॉक वॉल्व, यहाँ रखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ, ये फ्यूल है, दिस इज चॉक वॉल्व, वेंचुरी, ये सब आपको मोहित, फ्लोट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, बिल्कुल ये आपका यहाँ पे सिलेंडर में होता है, सिलेंडर इन द सेंस, सिलेंडर नहीं, आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना। और एक तरीके का फ्लोट आपको ये बताता है कि एक जो फ्यूल का एक लेवल मेंटेन रखता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसमें बताने वाले उस फ्लोट के हिसाब से आपका फ्यूल इन होता है, अगर आपकी फ्यूल यहाँ पे कम हो जाता है देन फ्लोट विल गोज डाउन एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल ओपन अप। देखिए यहाँ से
ये फ्लोट वाल्व है, आपको ये दिख रहा है ना, जब आपका ये फ्यूल का एक लेवल आप मेंटेन रखते हो फ्लोट चैम्बर में, व्हेन दिस गोज डाउन फ्लोट चैम्बर में, जब फ्यूल का लेवल आपका कम होता है, देन ये फ्लोट आर्म विल गो डाउन, नीचे आता है, जब ये नीचे आया देन इट विल ओपन अप द फ्लोट वाल्व, दिख रहा है आपको, फ्लोट वाल्व आपका ये कार्बोरेटर से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो जैसे ये नीचे आएगा फ्रेंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मोहित समझना ध्यान से, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, समझिए आप बात को, इफ देयर इज अ रिच एयर फ्यूल मिक्सचर, मतलब आपकी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज इंक्रीज, मान लो आपकी पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती है इंजन में, तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे फ्यूल आप ज्यादा सप्लाई करते हो, तो आप एक लेवल तक ये फ्लोट चैम्बर मेंटेन रखता है, बट आपकी फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी देन क्या होगा, आपकी यहाँ पे फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी तो ये फ्लोट चैम्बर है यहाँ पे भी फ्यूल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उसके कारण होगा क्या फ्रेंड, दिस विल गोज डाउन, देखिए मैं आप इसको इरेज करके बताता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए ये जो पार्ट है आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका फ्रेंड ये जो वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज फ्लोट, ये फ्लोट है, ये फ्लोट है, ये फ्लोट चैम्बर है पूरा, ये फ्यूल भरा हुआ है जो येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज फ्यूल, whenever a fuel requirement is not as per the requirement in this zone, तो आपका fuel level क्या है, will goes down. When fuel level goes down, एक proper amount तो यहाँ आपका हमेशा constant रहेगा, लेकिन एक requirement आपकी बढ़ती है, एक proper amount से ज़्यादा थोड़ा सा आपको fuel चाहिए, तो ये जो float chamber जैसे level down होगा, then this system will goes down. देखिए आप, ये system सब connected है, आपको दिख रहा होगा sir, this whole system will goes down and it will open up this valve. And it will open up this valve. Because of this, more fuel will add into the combustion या float chamber, sorry, float chamber. ठीक है? ये इस तरीके से process चलता है. मोहित, clear है? और मैं समझाऊंगा इसको और आगे भी आएगा. I think it is clear to you. ठीक है ना? एक तरीके का sensor बोल सकते हो, लेकिन ये manually controlled रहता है. Sensor भी हो सकता है. ठीक है ना? तो आजकल नए नए carburetor आ रहे हैं type. और हो सकता है maybe sensor is there. ठीक है, तो ये फ्लोट चैम्बर है, ये फ्लोट है, फ्लोट का मेन पर्पज रहता है टू मेंटेन अ पर्टिकुलर लेवल इन द फ्लोट चैम्बर. ठीक है ना, पर्टिकुलर लेवल ऑफ फ्यूल इन द फ्लोट चैम्बर. यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहां तक हमने ये समझ लिया. अब देखिए सिंपल कार्बोरेशन समझ में आ गया. अब हम एक चीज और देख लेते हैं, यूजफुल एयर फ्यूल रेशियो फॉर गैसोलीन. ये यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, यूजफुल एयर फ्यूल रेशियोस फॉर गैसोलीन. ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो फॉर गैसोलीन. अब देख लेते, दिस लाइन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक लाइन. ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस इज स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो जो आपको दिख रहा है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक है, स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो. ठीक है ना, जनरली ये जो रहता है ये 15.12, ठीक है, ये इसके आसपास रहता है. तो दिस लाइन इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो. यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, दिस पॉइंट इज दिस. ठीक है, यहाँ पे 12 है, ये 9 है. ठीक, यहाँ पे हम बात करें 16 है, ये 19 है. ठीक, और ये वाला पार्ट अभी आप हटा दो इसको. ठीक, अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ईएससी में ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं इस वाले चार्ट से, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. यूजफुल एयर फ्यूल रेशियो की हम बात करें कि कितना यूजफुल है, किस एयर फ्यूल रेशियो तक हम चीजें लेते हैं इन केस ऑफ गैसोलीन इंजन. अब देखिए यहाँ पे जो ये 9 to 19 है, ये एक लिमिटिंग कंडीशन है. ठीक है, कि 9 से 19 लेते हो आप, लिमिटिंग कंडीशन है. बहुत कम जगह होती है ऐसी जहाँ पे आप ये 9 to 19 यूज करते हो. अगर आपसे पूछा जाए सिंपली गैसोलीन और पेट्रोल का एस्टिमेट एयर फ्यूल रेशियो थैंक्स तेज पांडे, थैंक्स. तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर गैसोलीन और पेट्रोल स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, कितने लोगों को क्लियर नहीं है स्टोइकोमेट्रिक मतलब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, तो आपको जहां समझ में आएगा दिस इज 15.12:1. मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर या केमिकली करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एयर एंड फ्यूल सो दैट फ्यूल कैन
प्रॉपरली बर्न, और पूरा फ्यूल बर्न करने के लिए जितने अमाउंट में मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड रहती है उसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। तो यहाँ हम गैसोलीन की बात कर रहे हैं, तो उनका जो रेशियो रहता है मास फ्लो रेट ऑफ एयर टू द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 15.12:1, सिंपल, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी की हम बात करें फ्रेंड, तो ये पॉइंट वो पॉइंट है, देखिए 16:1 ये वो रेशियो है जहां पे आपको बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। क्या मिलती है? बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलती है आपको, ठीक है। और ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं आप बेस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर आपको यहाँ पे मिलता है, बेस्ट पावर। बेस्ट पावर आपसे पूछा जाए 12:1 एयर फ्यूल रेशियो आपसे पूछा जाए कि बेस्ट पावर इज ऑब्टेन्ड एट विच मास फ्लो रेट ऑफ एयर टू द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, तो एमए बाई एमएफ या आप बोलो एयर फ्यूल रेशियो वो कौन सा है जिसपे आपको बेस्ट पावर मिलती है, तो दैट इज 12:1। बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मतलब यहाँ पे सबसे कम फ्यूल रिक्वायर रहता है फॉर टर्म। बीएसएफसी क्या होता है? व्हाट इज बीएसएफसी? एक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। बाइक टैंक वी डोंट सी द फ्लोट व्हेन टैंक इज फुल, सो इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोरेटर डिजाइन। मोहित आप कार्बोरेटर निकाल के देखिए, आप देखिए कार्बोरेटर का पूरा डायग्राम आप निकाल के देखिए, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पे, या तो आप कल के लेक्चर में मैं एक आपको डिजाइन दिखा दूंगा जिसमें पूरा कार्बोरेटर जो है आपका खुला रहेगा, तो उसमें आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ ऐसे आपको समझ में आए, टैंक से आपका जो चैम्बर है वहाँ फ्यूल आता है, समझिए कार्बोरेटर के साथ ही अटैच रहता है, ठीक है। जैसे कार्बोरेटर की बात करें तो सोलेक्स होता है, ठीक है ना, हम जो 4-5 कार्बोरेटर है जनरली हम जो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी हम कार्बोरेटर टाइप डिस्कस नहीं कर रहे, अभी जस्ट मैं आपको बेसिक जो प्रिंसिपल है कार्बोरेशन से रिलेटेड मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है मोहित। इसके बाद अगर आप बोलोगे तो कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं एक आपको डायग्राम दिखा सकता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अटैच रहता है, आप बस इतना समझिए, दिस इज अटैच विद द कार्बोरेटर दिस पार्ट, ठीक है ना। ओके मोहित, अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे ये देखिए कि कम्बस्टिबल जो रेंज है, तो कम्बस्टिबल रेंज 9-19 होती है, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कम्बस्टिबल रेंज, तो ये आपके 19:1 तक आपका 9-2। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि आपको इस टाइप क्वेश्चन जो है ईएसी में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि 9-19 इज द वर्किंग रेंज ऑफ गैसोलीन इंजन, ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो की जो यूजफुल रेंज है वह 9-19:1, ये आपका वर्किंग रेंज हो गई, इसके बीच में आपका गैसोलीन इंजन वर्क करता है। दिस इज द एयर फ्यूल रेशियो जनरली हमको देखने को मिलता है। अब देखिए जो 12:1 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आपका फ्यूल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एयर क्वांटिटी, तो फ्यूल यहाँ पे रिच मिक्सचर है, रिच मिक्सचर है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको जो पावर है बेस्ट पावर मिलती है, सबसे ज्यादा पावर आपको यहाँ पे मिलेगी। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें फ्रेंड, तो फ्यूल इकोनॉमी सबसे ज्यादा मिलता है 16:1 पे, यहाँ पे आपका मिक्सचर जो है लीन है, एयर क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, एज रिक्वायर्ड बाय द स्टोइकोमेट्रिक। मैं किससे कंपैरिजन बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए फ्रेंड एक मिनिमम जो एयर की क्वांटिटी चाहिए, मास फ्लो रेट चाहिए, वो ये है, समझिए आप बात को। अगर इस रेट से आपका देखिए 15.12:1 अगर आपका एयर की क्वांटिटी इस रेशियो से या इस अमाउंट से कम होती है तो हम बोलते हैं रिच मिक्सचर। अगर आपकी एयर की क्वांटिटी स्टोइकोमेट्रिक से ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं क्या, लीन मिक्सचर, सिंपल, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप लीन कब बोलोगे? लीन मतलब होता है जब आपकी एयर की क्वांटिटी स्टोइकोमेट्रिक एयर से ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं उसको लीन मिक्सचर, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है, बीएसएफसी ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज वेरी वेरी लो एट दिस पॉइंट, मतलब 16:1। व्हाट इज दिस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन? क्या होता है फ्रेंड, मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड, ये अगर आई ब्रेक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तो ब्रेक पावर है, तो पर किलोवाट आवर ऑफ ब्रेक पावर जनरेट करने के लिए सबसे कम मास ऑफ फ्यूल यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। दिस मीन्स इज दैट, समझिए कि बीएसएफसी अगर लो है, इसका मतलब सिंपल समझिए फ्रेंड कि बीएसएफसी मतलब लो है, यहाँ पे सबसे कम आपको मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड रहेगा पर के किलोवाट आवर पावर के लिए, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे 16:1 पे आपको लीन मिक्सचर पे देखा गया कि आपको सबसे ज्यादा जो सबसे बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा एवरेज मिलता है, जो आप गाड़ियों में बोलते हो ना कि एवरेज अच्छा है, एवरेज अच्छा है, उसी की बात हो रही है, मतलब एवरेज इकोनॉमी आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे मिलती है।
या डायग्राम आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, जिससे कि आप काफी सारी की चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टू रिच मिक्सचर और टू लीन मिक्सर। फ्रेंड ये वो रेंज होती है, यहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं है, मतलब फ्यूल की क्वांटिटी इस वाले केस में बात करूं तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी एयर जो है बहुत कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका फ्यूल टू रिच टू बर्न, मतलब इतना ज्यादा रिच हो जाता है आप उसको जला नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूल इतना ज्यादा रिच है, टू रिच टू बर्न मतलब आपकी फ्यूल क्वांटिटी इतनी ज्यादा है और क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब इट इज नॉट कम्बसिबल एयर। इन इस जोन की बात मैं करूं तो यहाँ पे कम्बसिबल जोन नहीं है, दिस इज कॉल्ड कम्बसिबल रेंज ओनली, यहाँ पे आपका केवल फ्यूल बर्न होगा, तो दिस इज कम्बसिबल रेंज, दिस इज नॉन कम्बसिबल रेंज। यहाँ की बात करते हो फ्रेंड, फ्यूल क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है, एयर बहुत ज्यादा हो जाती है, तब भी आपका ये बर्न नहीं होगा। तो टू लीन मिक्सचर, टू लीन टू बर्न, समझिए आप, यहाँ पे इतना लीन है कि उसको आप जला नहीं सकते, यहाँ पे इतना ज्यादा रिच है कि आप उसको फिर से अगेन बर्न नहीं कर सकते। तो टू रिच टू बर्न एंड टू लीन टू बर्न, ये दोनों जो रेंज है आपको दिख रही है ना, ये दोनों रेंज है, ये आपकी क्या है, नॉन कम्बसिबल रेंज है, ये इसमें या बोले नॉन यूजफुल रेंज है। हमारा मेन पर्पज अब आपका क्या है, 9 टू 19 जो है आपका, ये आपका बेस्ट, ये हम जो बोले यूजफुल एयर फ्यूल रेशियो का फॉर गैसोलीन उसका जोन है, आप इसके अंडर काम करोगे। तो दैट्स व्हाई हेडिंग देखिए, यूजफुल एयर फ्यूल रेशियोज फॉर गैसोलीन, ये चीज समझ में आ गई। तो आपसे पूछा जाए तो क्या है रेंज, 9:1 to 19:1, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो, और ये पूरा डायग्राम आप समझाना अच्छे से, जिससे कि आप उसको जैसे ये लिखने को आया है ईएसई और साथ में ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आया हुआ है, तो आप उसको याद रखिए। ये कभी कभार एक चीज और ध्यान रखना कि एयर फ्यूल रेशियो मैं ले रहा हूँ, कोई कोई यहाँ पे एनालिसिस किसी किसी को फ्यूल एयर रेशियो लेके लिया हुआ है, ठीक है ना, फ्यूल एयर, जब आप फ्यूल ऊपर रख लेते हो एयर नीचे, तो इस तरीके से भी एनालिसिस किया, तो दोनों चीजें सही है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अगर हम इसी को डायग्राम को देखिए, यहाँ पे समझे ऐसे, मान लो ये डायग्राम है, इसी का एक और डायग्राम है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, इसी का देखिए, जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ये आपका पावर वाला है, ठीक है, बीपी बोल दूं मैं, ब्रेक पावर, दिस वन इज नॉट, दिस इज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन लाइन। यहाँ पे देखिए ये आपका मिनिमम यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट, बट ये जोन क्या होता है, बेस्ट इकोनॉमी जोन, ठीक है, बेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे मिलता है ना आपको, बेस्ट इकोनॉमी, तो ये जनरली आपका, और यहाँ पे क्या मिलता है, बेस्ट पावर। थोड़ा बहुत वेरिएशन कहीं कहीं बुक्स में दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, लगभग 16 के अराउंड आपको बेस्ट इकोनॉमी मिलता है, तो कहीं पे 15.6 लिखा या 15.8 लिखा, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है ना, तो याद रखना, तो आप कंफ्यूज मत होना, लगभग 5.5 to 16, ठीक है, अराउंड, ठीक है। और जो आपका स्टोचियोमेट्रिक रहता है, स्टोचियोमेट्रिक रहता है वो 15.12 के अराउंड, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर्व बना सकते हो, जहाँ पे आपको पूछा जाए, तो ब्रेक पावर का ये रिलेशन बनता है और आपका ये बीएसएफसी का रिलेशन है, ठीक है, विद एयर फ्यूल, यहाँ पे जो है एयर फ्यूल मिक्सचर है, ठीक है ना, या मैं बोलूँ सिंपल इसकी बात करूँ तो ये फ्यूल रेशियो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे फाइ जो है आपका फ्रेंड क्या रहेगा, वन रहेगा, यहाँ पे फाइ ग्रेटर देन वन है, फाइ क्या है, इक्वलेंस रेशियो, फाइ क्या है, इक्वलेंस रेशियो, ठीक, तो यहाँ पे जो फाइ है वो लेस देन वन, ये आपका एक डायग्राम और है, आप देख सकते हो भाई क्या होता है, इक्वलेंस रेशियो क्या होता है, देखिए ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कराया, रेशियो ऑफ एयर फ्यूल, फ्यूल एयर रेशियो या एयर फ्यूल रेशियो ऑफ स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, ये किसका रेशियो होता है, स्टोचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो टू द एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो, तो ये आपका इक्वलेंस रेशियो फाइव भी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, ये आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना, तो ये भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करा दिया था, ठीक है, एक्चुअल टू द स्टोचियोमेट्रिक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल, सॉरी ये गलत लिख दिया, एक्चुअल टू द स्टोचियोमेट्रिक, एक्चुअल टू द स्टोचियोमेट्रिक, ये चीज है, दिस इज फाइव, इक्वलेंस रेशियो फाइव इक्वल टू एक्चुअल टू द स्टोचियोमेट्रिक, ये याद रखना है, दिस इज द ब्रेक पावर कर्व, यहाँ पे आपको ये किस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिलेगी, यहाँ पे आपको बेस्ट इकोनॉमी मिलेगी, बस आप ये दो पॉइंट याद रखना है और इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक।
हम बात करते हैं सिंपल कार्बोरेटर। तो सिंपल कार्बोरेटर की क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से हम काम करते हैं, तो ये यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहले सिंपल कार्बोरेटर में क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो एयर वेंचुरी है ना, वेंट, नीडल, फ्लोट चैम्बर, ये पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है, दिस इज फ्लोट चैम्बर एंड दिस इज थ्रोटल वाल्व, ठीक है ना। यहाँ से ये डायग्राम है सिंपल कार्बोरेटर जिसको हमको पढ़ना है। तो ये फ्लोट चैम्बर है, ठीक है ना, ये आपका फ्यूल इन है फ्रेंड, फ्यूल इन, दिस इज द फ्लोट चैम्बर एंड दिस इज आइडलिंग एयर ब्लीड, ये आइडलिंग एडजस्टमेंट स्क्रू है यहाँ पे। ये सभी पार्ट आप देखिए, मैं आपको एक जगह थोड़ा सा पार्ट लिखा दे रहा हूँ, तो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल कार्बोरेटर कंसिस्ट ऑफ, मैं आप सिंपल यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, जो सिंपल कार्बोरेटर होता है, मैं सिंपल कार्बोरेटर का वर्किंग बता रहा हूँ, सिंपल कार्बोरेटर कंसिस्ट ऑफ, सिंपल कार्बोरेटर कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट में क्या होता है ये देख लेते हैं, शॉक ट्यूब होती है, शॉक ट्यूब विथ वेंचुरी, ठीक है। सेकेंड वन फ्लोट चैम्बर होता है विथ अ फ्लोट, थर्ड होता है थ्रोटल वाल्व, थ्रोटल वाल्व होता है उसमें। तो जो बेसिक उसके पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो। एक होता है फ्यूल मीटरिंग जेट विथ अ फ्यूल डिस्चार्ज होजर, ये पार्ट्स आपको ध्यान रखना, अभी एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर लगे रहते हैं। और आइडलिंग एडजस्टमेंट स्क्रू, सिक्स्थ वन इज चोक, ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके, मैंने यहाँ पे एक बात बता दी है, अब इनको एक एक करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा कॉपी से मैंने अपने से डायग्राम लिया है, ये देखिए ये फ्लोट चैम्बर का लेवल है, दिस इज वेंचुरी, दिस इज व्हाट वेंचुरी, देखिए वेंचुरी ये है, दिस इज वेंचुरी, दिस इज चॉक ट्यूब, ठीक है। मैं सभी पार्ट एक करके बता रहा हूँ, आइडलिंग एयर ब्लीड एंड आइडलिंग एडजस्टमेंट स्क्रू, टोटल वाल्व, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है एक साथ में, ये फ्यूल डिस्चार्ज नोजल है, ये दिस पार्ट इज फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, दिख रहा है फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं एक साथ यहाँ पे, आपका चोक वॉल, एयर इन, ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको देखना रहता है कार्बोरेटर में। तो अब किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, क्या फॉर्मूले हैं, ये सभी चीज हम देखेंगे। और जनरली जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे टू पॉइंट पे, यहाँ पे एयर वेलोसिटी आएगी, फिर यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, हाई वेलोसिटी रहेगी तो लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा फ्लूइड चैम्बर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड कोई भी फ्लूइड मूव करेगा, नॉर्मल टेंडेंसी है। तो यहाँ से बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ऑफ फ्यूल सप्लाई या फ्यूल विल स्टार्ट, ठीक है, फ्यूल मीटरिंग जेट के थ्रू ये फ्यूल यहाँ पे आ जाएगा इस स्टेप पे, सिंपल। तो यहाँ पे जो वन और टू का जो प्रेशर डिफरेंस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो P1 माइनस P2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग ऑफ फ्यूल। सिंपली अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, तो P1 माइनस P2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग द फ्यूल, लिफ्टिंग ऑफ फ्यूल व्हाट फ्रॉम दिस टैंक, ठीक है ना, ये जो टैंक है यहाँ से, तो फ्लोट चैम्बर यहाँ पे जो आपका है, यहाँ से जो फ्लोट चैम्बर है, यहाँ से फ्यूल जो लिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट वन, एट पॉइंट वन एंड टू, दिस इज पॉइंट वन फिर एंड हियर एंड दिस इज टू, इन दो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस अ फ्यूल विल लिफ्ट अप फ्रॉम द दिस चैम्बर एंड कम्स टू दिस नोजल, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। इसके कारण जो आपका फ्यूल लिफ्ट होता है फॉर लिफ्टिंग ऑफ फ्यूल, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बोरेटर डिप्रेशन, क्या बोलते हैं आप, कार्बोरेटर डिप्रेशन, कार्बोरेटर डिप्रेशन, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोरेटर डिप्रेशन, ठीक। और इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ HG, ठीक। तो डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द लेवल ऑफ फ्यूल इनसाइड द थ्रोट चैम्बर एंड फ्यूल डिस्चार्ज नोजल एट द थ्रोट इज नोन एज नोजल टिप डिनोटेड बाय जेड, तो आपको ये दिख रहा है फ्रेंड, दिस इज व्हाट नोजल टिप,
जेड इज कॉल्ड एज नोजल टिप, जो कि डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नोजल टिप, नोजल टिप डिस्टेंस, टिप डिस्टेंस, क्लियर है। तो यहां से सब चीजें ये क्लियर हो जाती है, जेड समझ में आ गया, बाकी के पार्ट समझ में आ गया। नाउ कम्स टू द एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस पार्ट, जो कि आप ईएसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो यहां से हम एक एक करके इसको आप समझेंगे पूरे को। तो एयर फ्यूल रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर फ्यूल रेशियो मैं पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रोवाइडेड बाय सिंपल कार्बोरेटर, ठीक है ना। तो यहां पे पहला केस हुआ, पहला केस ले रहा हूं, केस वन, हमको बेसिकली क्या निकालना है, एयर फ्यूल रेशियो। तो हमको MAYMF निकालना है, किसका, कार्बोरेटर का, ठीक। अब इसमें केस वन क्या बनेगा, व्हेन एयर, दो केस होते हैं यहाँ पे, व्हेन एयर एयर टेकन एज कंप्रेसिबल, है ना। एक चीज याद रखना, जब आप एयर को कंप्रेसिबल लेते हो तो अलग तरीके से एनालिसिस होता है, जब आप एयर को इनकंप्रेसिबल लेते हो तो अलग तरीके से एनालिसिस करोगे। याद रखना, जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो दिस इज गिवन इन द न्यूमेरिकल कि एयर इज टेकन एज कंप्रेसिबल और एयर इज टेकन एज इनकंप्रेसिबल। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो तो वहां पे एक नजर जरूर डालना कि एयर कैसा दिया आपको, एयर अगर कंप्रेसिबल लिया है तो फॉर्मूला अलग होगा, एयर आपने इनकंप्रेसिबल लिया है तो फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है ना। और मास ऑफ फ्यूल की हम बात करें, फ्यूल की बात करें तो फ्यूल का आपका ऐसा कुछ वेरिएशन नहीं है, बस एयर का वेरिएशन होता है। तो MA/MF में वेरी क्या हुआ, केवल MA, ये चीज याद रखना। तो एयर टेकन एज कंप्रेसिबल, अगर मैं एयर को कंप्रेसिबल देता हूँ तो एयर फ्यूल जो रेशियो होता है फ्रेंड, एयर फ्यूल रेशियो सिंपली मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, MA/MF, सिंपल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो टू ए टू वी टू और वॉट रो एफ ए एफ बी ए, ठीक है, समझिए ए टू वी टू और रो टू। देखिए ये पॉइंट कहाँ पे है, डायग्राम में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैंने जो डायग्राम आपको बनाया था, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जो टू पॉइंट है फ्रेंड, टू इज दिस पॉइंट, टू पॉइंट इज दिस पॉइंट, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि यहाँ से बनाया डायग्राम में, तो देखिए टू पॉइंट इज दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो आपका एरिया रहेगा, ठीक है ना, एयर की डेंसिटी रहेगी और एयर की जो वेलोसिटी रहेगी वो आपका मास फ्लो रेट यहाँ का डिसाइड करेगी। तो वो जो चीज हमने यहाँ पे क्या ली है, देखिए नाउ मास फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल फ्रेंड, तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज दिस, समझिए ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं गोला कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल के लिए एरिया ऑफ फ्यूल मीटरिंग जेट, जो कि ये है, यहाँ पे ये किस वेलोसिटी से आपका क्या है फ्यूल का आ रहा होगा, तो ये VF हो गया, ठीक है ना। दोनों ले सकते हैं, बाई वॉल्यूम लेना है तो आपको बाई वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप बाई फिर आपको देखिए दोनों ले सकते हो आप, ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो जनरली हम मास ऑफ केजी पर सेकेंड में लेते हैं यूनिट, ठीक है ना। तो मास फ्लो रेट लेते हैं जनरली, अगर आप बाई वॉल्यूम लेना है तो आप उसको देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो वहां पर, ठीक है ना। तो ये आपका एरिया ऑफ फ्यूल मीटरिंग जेट, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इन फ्यूल मीटरिंग जेट, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ फ्यूल, ये आपके तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस पॉइंट पर आपको देगा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। ये चीज आपको यहां से मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, रो टू जो है आपकी फ्रेंड सिंपली डेंसिटी ऑफ एयर, मे बी आपका नाम क्या है, मे बी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप ले सकते हो, आप वॉल्यूम फ्लो रेट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कन्वर्ट कर लो बस आप, ठीक है। मास फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट में कन्वर्ट करने में आपको क्या जाएगा, बस डेंसिटी चाहिए आपको एयर की और फ्यूल की, तो यू कैन कन्वर्ट दैट, ओके, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपको मान लो कहीं पे भी वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा जा रहा है एनीवे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सीधा आपको डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी से आप क्या करो डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा, तो चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, और जो आपका ए टू होगा एरिया ऑफ थ्रोट, ठीक, और जो आपका वी टू होगा थ्रोट मतलब वेंचुरी का थ्रोट, ठीक है ना, वेंचुरी का थ्रोट,
velocity of एयर एट थ्रोट, ये चीज ध्यान रखो। ठीक, अगर मैं बात करूं फ्यूल की, रो एफ की, तो ये क्या हो जाएगा अपना डेंसिटी ऑफ फ्यूल। मैं एक बार यहां पे देखिए पूरा, आपको जितने भी टर्म है अननोन है सब बता रहा हूं, आगे जब प्रॉब्लम में यूज होंगे मैं आपको फिर नहीं बताऊंगा, आप यहां पे एक बार में अच्छे से सुन लेना। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल, फिर आप जब आगे अगर आपको यहां पे कोई दिक्कत हो तो आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहां पे जो ये होगा एरिया फ्रैक्शन ऑफ फ्यूल मीटरिंग जेट। ठीक, इसके बाद जो वी एफ है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल फ्लो रेट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जितने भी अननोन है मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, तो थ्रोट की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड, ये थ्रोट की बात हो रही है। ठीक है, एक यहाँ पे भी देखिए 1-1 सेक्शन है, तो इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। आप अभी मैं बस इन दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टू है, टू पे जो आपका एरिया है थ्रोट पे, मतलब वेंचुरी का जो थ्रोट है उस पे आप देखिए जो जो एरिया है, जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, एक तो वो चीज है, दूसरा फ्यूल मेट्रिक जेट से किस वेलोसिटी से फ्यूल आ रहा है। ठीक है, दूसरी वो चीज है, और क्या उसकी डेंसिटी है। तो ये दोनों का आपका रेशियो हो गया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें, अब मैं पहले बात कर रहा हूँ एयर की, क्योंकि हमने क्या एयर टेकन एज कंप्रेसर केस नंबर 1 पहले हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट एयर की बात करूँ, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, फ्रेंड फ्लूइड मैकेनिक्स से कुछ कंसेप्ट लगेंगे, तो मेरे ख्याल से आपने फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा बहुत आता होगा आपको, तो बस थोड़ा सा जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। मास फ्लो रेट ऑफ एयर एट थ्रोट इज व्हाट एम ए डॉट। ठीक है फ्रेंड, एम ए डॉट थ्रोट पे हमको पता है क्या होता है, रो टू ए टू बी टू, क्योंकि जस्ट हमने अभी देखा था। ठीक, Applying S double F W steady flow energy equation, ठीक है, according to second law of thermodynamics steady flow energy equation, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे mass flow rate भी हो रहा है और energy भी आपकी flow rate हो, तो यहाँ पे S double W apply कर सकते हो। ठीक है, mass and energy both can transfer here, जहाँ से आपका S double W आप लगा सकते हो, according to S double W at section 1-1 and section 2. What is this? Section 1 and section 2. अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ। H1 plus V1 by square 2 plus Z1 G plus Q. ये होता है इसका SF double E plus Z2 G plus friend. ठीक है? It is clear to you मेरे ख्याल से। SF double E आपको समझ में आ रहा हूँ। This is SF double E. As per the SF double E, हमने 1-1 section और 2-2 section पे लगाया। कौन से section की बात हो रही है यहाँ पर? ये देखिए आप। ठीक है friend, मैं air के लिए बात कर रहा हूँ। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, एयर के लिए बात कर रहा हूँ, तो सेक्शन 1-1 मैं ये लूंगा। जब व्हेनेवर यू विल एनालाइज फॉर द एयर देन यू विल टेक द सेक्शन दिस 1-1 ये लोगे आप, और 2-2 वाला आप पार्ट कौन सा लोगे, ये वाला। तो मैं इन दोनों को बीच में एसएफ डबल ई लगा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। एयर के लिए बात कर रहा हूँ तो एयर यहां से आ रही है, एक सेक्शन तो ये हो गया और दूसरा सेक्शन ये हो गया थ्रोट वाला, जो कि मिनिमम एरिया ऑफ सेक्शन वाला है थ्रोट वाला, और एक सेक्शन कौन सा है, ये वाला जो वेंचुरी के आपके स्टार्टिंग में है। समझिए आप, एयर इन, तो आपका 1-1 और 2-2 सेक्शन इसकी बात हो रही है, आप कंफ्यूज मत होइए, ये वाला नहीं है फ्लूइड चैम्बर वाला नहीं है। जब फ्यूल के लिए बात करेंगे तब हम ये वाला 1-1 वाला सेक्शन लेंगे जो आपका फ्यूल फ्लूइड चैम्बर के साथ। ठीक है, अभी हम इन दोनों पॉइंट के बीच में एसएफ डबल ई अप्लाई कर रहे हैं, आप समझिए, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, एज कंपेयर टू द थ्रोट वेलोसिटी एट एंट्रिंग ऑफ चोक, तो हम क्या मान लें, जीरो मान सकते हैं, एस Because we know that V2 is greater than, इसलिए हम इसको neglect करके चलेंगे। Asymptotic मान के चलोगे पूरा flow को, assume asymptotic flow, then Q will be zero। ठीक है, work यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ना works को लेना देना है, work zero। ठीक है, Z1G equal to Z2G, because why? Because length of fuel is very small, ध्यान रखिए आप, assumption हमेशा ध्यान रखिए और लिखिए above throat, friend देखिए, अब क्या क्या चीज हमने यहाँ समझी। पहली चीज तो ये, जब हमने SFW apply किया at 1-1 point and 2-2 point, तो मैं यहाँ पे diagram फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो diagram है, ये मैं देखिए, ये जो पॉइंट है आपका 2-2 पॉइंट है फ्रेंड, दिस इज 1-1 पॉइंट, इसके बीच में मैंने SFW अप्लाई की। पहली चीज तो ये जो लेंथ है, इट इज नेग्लिजिबल इन द एनालिसिस, ये आप नेग्लिजिबल मान के चलोगे, पहली चीज ये। दूसरा, V2
V2 इज वेरी वेरी लार्ज देन V1, दैट्स व्हाई V1 को आप निगलेक्ट करके चलोगे, ठीक है। जब आपके लेंथ बहुत कम है तो Z1G इक्वल टू Z2G क्या होंगे, नियरली इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये सब अजम्पशन मानते हुए अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं हमको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक, ये हमारा वर्क कुछ मिला नहीं, असेंट्रोपिक फ्लो मेंटेन करके चले हम, V1 जीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा। नाउ कम्स टू द इक्वेशन नेक्स्ट, देखिए क्या बनेगा, H1 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। नाउ V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 H1 माइनस H2, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ V2 इक्वल टू, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 2 CP T1 माइनस C2, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ से हो जाएगा 2 CP T1, ठीक है ना। यहाँ पे CP T1 का कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस T2 बाई, ठीक। और असेंट्रोपिक फ्लो हम मान के चले हैं हमेशा, यहाँ पे हम मान के क्या चले हैं शुरुआत में, असेंट्रोपिक फ्लो, एंड फॉर असेंट्रोपिक फ्लो वी नो दैट व्हाट, फॉर असेंट्रोपिक फ्लो वी नो दैट T1 to power gamma minus 1 power gamma अपॉन P2 power gamma minus, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो T2 by T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P2 by P1 to power gamma minus 1 by gamma, सिंपल, ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी। तो जब V2 आप देखोगे तो V2 will be equal to under root of T1 1 minus V2 by P1 to power gamma minus 1 by gamma, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी वेलोसिटी आ गई एट पॉइंट टू, या थ्रोट वेलोसिटी आ गई ऑफ एयर एट थ्रोट, ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ एयर एट थ्रोट, ठीक, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर एट थ्रोट, क्लियर है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर होगी। नाउ हम निकाल के रहे थे फ्रेंड मास फ्लो रेट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, मास फ्लो रेट की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो मास फ्लो रेट के लिए देखिए ये यहाँ पे थे, हम इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें सभी को निकालेंगे, पहले हमने वेलोसिटी एट थ्रोट निकाल दिया, अब डेंसिटी एट थ्रोट रो टू निकाल, रो टू कैसे आएगा, देखिए यू नो दैट P1 फॉर असेंट्रोपिक फ्लो, फॉर असेंट्रोपिक थर्मोडायनेमिक्स है पूरा, P1 बाई रो 1 टू पावर गामा इक्वल टू व्हाट, P2 बाई रो 2 पावर का, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रो 2 इक्वल टू रो 1, ध्यान से देखना इसको, P2 बाई P1 टू पावर 1 बाई का, ये आपका डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। नाउ एट मास फ्लो रेट ऑफ एयर एट थ्रोट विल बी इक्वल टू रो 2 इनटू P2, तो फ्रेंड रो 2 की वैल्यू क्या रखोगे अगर, अच्छा एक चीज और है, कभी कभी कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज भी आपको दिया जाता है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज व्हेनेवर इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम मल्टीप्लाई दैट वन, ठीक है ना। तो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जब दिया जाए तो आप उसको भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम एंड ऑफ, ठीक। तो सी डी ए इंटू रो 2 की जगह क्या रखोगे, रो 1 P2 बाई P1 टू पावर 1 by gamma, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ से एक चीज होगी, A2 ये हो गया, V2 की जगह क्या रखोगे, जस्ट हमने अभी V2 निकाला था, वेलोसिटी एट थ्रोट मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट करवाया था, क्या था 2 CP T1, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, 1 माइनस V2 by P1 टू पावर गामा माइनस 1 by gamma, ठीक है, देखिए अभी जस्ट निकाला था, ये निकाला, ठीक। जब इसको आप यहाँ से देखिए रो 1 कैसे निकलेगा, रो 1 के लिए भी आप फर्दर और पुट कर सकते हो, जैसे रो 1 के लिए क्या कर सकते हो, P1 बाई RT1, ठीक, ये पुट करके निकाल सकते हो और आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मास ऑफ एयर एट थ्रोट या मास फ्लो रेट ऑफ एयर एट थ्रोट विल बी गिवन बाई दिस रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको एक पुट करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, CBA P1 बाई RT1, ठीक है ना, इंटू P2 बाई P1 टू पावर 1 बाई गामा इंटू वाट, ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे लिख, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे फ्रेंड, फर्दर मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है ना, यहाँ पे जो एक्चुअल है, क्योंकि आप सी क्या ले रहे हो साथ में, एक्चुअल है, आप यहाँ पे कोफिशियंट भी ले रहे हो, तो ये एक्चुअल मास फ्लो रेट सी डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे A2 P1 बाई R अंडर रूट ऑफ T1, तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, 2
पी और यहाँ पे हो जाएगा पी टू बाई पी वन टू पावर टू बाई गामा माइनस पी टू बाई पी वन टू पावर गामा प्लस वन ऊपर। फ्रेंड इस तरीके से मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म्स का, दिख रहा है इसके अंदर, और इसको सॉल्व करके पढ़ता है यहाँ पे लिख दिया तो ऐसा बनेगा। अब बात कर लेते हैं मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड की। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल क्या होगा फ्रेंड, एम एफ इक्वल टू वाट, रो एफ ए एफ इंटू वी एफ, है ना। तो यहाँ पे भी अप्लाई करना है बर्नौली इक्वेशन, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन लेवल ऑफ फ्यूल, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूं आप कंफ्यूज मत होना, लेवल ऑफ फ्यूल इन फ्लोट चैम्बर, यहाँ पे किस किस के बीच में आपको बर्नौली लगाना है, इन फ्लोट चैम्बर एंड एंड फ्यूल डिस्चार्ज लोजर एट थ्रू, ठीक है, इज जैसे टू टू डैश और ये वन वन डैश की बात चल रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे बर्नौली क्यों लगा रहे हैं, वहां पे आपने एस एफ डबल ई क्यों लगाई थी। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे आप क्या मान के चले हो, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की बात हो रही है, आपका एक्चुअल सिचुएशन है, एस एफ डबल ई अप्लाई किया आपने, बर्नौली इक्वेशन कहाँ लगाते हो आप, जहाँ आप कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हो, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखना, तो यहाँ पे आपने एस एफ डबल ई जब लगाई थी, ये मैं यहाँ पे किस केस की बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना, ये जो मैं आप लगा रहा हूँ बर्नौली किस किस पॉइंट के बीच में, फ्रेंड एक लाइन तो ये है, दूसरा ये है, देख रहे हैं आप ये रेड कलर से, वन वन सेक्शन तो ये हो गया, तो जो आपका फ्यू फ्लूड चैम्बर में जो फ्लूड का लेवल है प्लस आपका, और किसके बीच में लगा रहे हो आप, एंड किसके बीच में लगा रहे हो, ये थ्रोट के बीच में, तो आप इन दो सेक्शन के बीच में बर्नौली अप्लाई कर रहे हो, है ना। बर्नौली अप्लाई आप कर रहे हो फॉर मास ऑफ फ्यू फ्लो रेट निकालने के लिए, आप इन दो जो सेक्शन के बीच में आपने बर्नौली लगा दो यहाँ पे, तो बर्नौली लगाया तो पी वन और रो एफ प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जेड वन जी इक्वल टू पी टू बाई रो एफ प्लस वी एफ स्क्वायर बाई टू प्लस जेड टू जी, फ्रेंड बर्नौली लगा दी यहाँ पे। अब जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू जेड है, ये हमको दिया है ना, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, जेड ही है ना। देखिए ये जस्ट देखा नोजल टिप डिस्टेंस बोलते हैं जिसको, नोजल टिप डिस्टेंस दिख रहा है आपको, जेड मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू जेड लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो वी वन जीरो है क्योंकि वी वन जो है आपका लेवल है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है डेटम, तो यहाँ पे इन फ्लोट चैम्बर है वी वन, फ्लोट चैम्बर यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है फ्यूल की, इन फ्लोट चैम्बर पेट्रोल इज स्टैटिक ऐसे लिख सकते हो, पेट्रोल इज स्टैटिक, वी वन जीरो हो गया। अब नाउ पी वन वाई रो है, ठीक है ना, और पी टू वाई रो है प्लस पी एफ स्क्वायर बाई टू प्लस जेड टू माइनस जेड वन, सिंपल यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी एफ आप फाइनली यहाँ से निकालोगे, पी एफ जब आप निकालोगे यहाँ से, तो दिस विल बिकम इक्वल टू पी वन माइनस पी अपॉन एफ माइनस जी जेड, है ना, जी जेड हो गए, ठीक। नाउ मास फ्लो रेट की हम बात करें, एम एफ एफ ए एफ इंटू डी, ठीक है ना। यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज अगर गिवन है तो मास फ्लो रेट, एक्चुअल मास फ्लो रेट विल बी कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज अगर आपको गिवन है तो उसको भी आप लोग, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल ये थियोरेटिकल है, ठीक। तो सी डी एफ रो ए एफ ओ एफ वी एफ की जगह जस्ट अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी वो बुटा कर दिया, टू पी वन माइनस पी टू और वो है, देखिए जस्ट अभी सॉल्व करके निकाला था जो, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने, पी वन माइनस पी टू माइनस जी, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा
अंडर रूट ऑफ हो गया मास फ्लो रेट। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें अब ए बाई एफ इन केस ऑफ एयर इज टेकन एज व्हाट, एयर इज टेकन एज कंप्रेसिबल, एयर इज टेकन एज व्हाट, इट इज टेकन एज कंप्रेसिबल, उस केस में जो मास एयर फ्यूल रेशियो आएगा या मैं बोलूं एम ए बाई एम एफ रेशियो आएगा वो क्या होगा, एम एफ आपने यहाँ पे निकाल दिया इक्वेशन सेकेंड मान लो इसको, और इक्वेशन फर्स्ट आपकी कौन सी थी जो आपने निकाली थी यहाँ पे, दिस इज व्हाट इक्वेशन, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे देन एम ए बाई एफ एम एफ विल बी ऑब्टेंड, जो हम निकालना चाह रहे थे जो हमारी प्रायोरिटी थी यहाँ पर। देखिए यहाँ पे एम ए बाई एम एफ की वैल्यू रखोगे फाइनल आपका, मोहित अगर गिवन है प्रॉब्लम में तो लोगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप मान के चलो जो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है और थियोरटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू सेम है, मान लो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज जो है वो कम है थियोरटिकल से, तो आप उसका मल्टीप्लाई करोगे ठीक है ना, वेन एवर इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम देन यू विल टेक, अदरवाइज उसको मत लेना ठीक है मोहित। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका सिंपली एम एक्चुअल जो मास फ्लो रेट होता है आपका, मास फ्लो रेट जैसे सी डी का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट डिस्चार्ज, तो जो मास फ्लो रेट आपका होता है एक्चुअल अपॉन मास फ्लो रेट थियोरेटिकल ठीक है ना मोहित, अगर ये गिवन है सी डी है तो ले लोगे आप, अदरवाइज नहीं है कुछ गिवन तो मान के चलो जो एक्चुअल और थियोरेटिकल मास फ्लो रेट है वो आपका सेम है सिंपल ठीक है ना। सो इट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो आप उसको काउंट करोगे अदरवाइज छोड़ दोगे उसको ठीक है, वन मान के चलोगे अदरवाइज, मान के चलोगे मास फ्लो रेट ऑफ एक्चुअल और मास फ्लो रेट थियोरेटिकल दोनों इक्वल। और दीपक कुमार कोर्स कंप्लीट कब होगा, किसका कोर्स, आईसी इंजन का क्या ओवरऑल कोर्स क्या बात कर रहे हो आप दीपक कुमार या और ऑल ऑफ यू, सभी के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि हम लोग सभी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी मैकेनिकल में हम एक क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं जो कि शायद 4 या 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसमें सभी फैकल्टी सब्जेक्ट दे दिए गए हैं तो अपने अकॉर्डिंग सभी क्रैश कोर्स चलेगा, उसमें गेट का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा इंक्लूडिंग सम गुड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ठीक है ना। तो वेट करो इसका, आपको शायद ये जल्दी से न्यूज मिल जाएगी आपको, तो अक्टूबर में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है इसी प्लेटफॉर्म पे ठीक। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लूंगा तो उसको ज्वाइन करना आप सभी लोग, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कर देना इन्फॉर्मेशन, ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पे चलेगा ठीक है। तो एम ए बाई एम एफ के लिए तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमने अभी लिखी थी डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा एयर फ्यूल रेशियो व्हेन एयर इज टेकन एज कंप्रेसिबल इन केस ऑफ फर्स्ट, कर इन केस ऑफ फर्स्ट ठीक है ना। तो पहला केस हमारा था क्या था, केस वन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख भी देता हूँ मैं ई डी ए टू वन ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लेना ठीक है ना। तो यहाँ पे आर अंडर रूट ऑफ टी वन और इसके बाद क्या है, देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन पूरा डिवाइड बाई दिस ठीक है ना, आप लिख लेना तो ये आप समझ जाओगे, ये इक्वेशन आप लिख लेना दोनों इक्वेशन का जो डिवाइड है ये आपका एयर फ्यूल रेशियो जो हम निकालना चाह रहे थे। अब केस नंबर टू डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर टू, केस नंबर टू फ्रेंड क्या बोलता है, एयर फ्यूल मिक्सचर हमको रेशियो हमको फिर निकालना, एयर फ्यूल रेशियो व्हेन एयर इज टेकन एज इनकंप्रेसिबल, यहाँ पे क्या बात आ गई, अब इनकंप्रेसिबल की बात आ गई। देखिए बर्नौली की कुछ अजम्पशंस हैं, तो उसमें पहला अजम्पशन क्या है कि जो भी आप फ्लूइड ले रहे हो आप उसको इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हो, व्हेन आवर फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन यू कैन अप्लाई द बर्नौली थ्योरम, अदरवाइज यू कांट अप्लाई द बर्नौली थ्योरम। इसलिए जो पहला केस था उसमें जब मैंने मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकाला था, शायद आपने ध्यान दिया हो कि नहीं, तो उसमें मैंने एसएफ डबल ई लगाई थी, ध्यान है आपको, तो वहाँ पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई थी, तो वहाँ पे उसके बाद जो आया आपका डेरिवेशन ड्राइव होके वो हमारा ये इक्वेशन मिली हमको ठीक है, ये दिख रहा है जो एम एक्चुअल ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं केस टू में, चीजें बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे देखिए आप एयर फ्यूल रेशियो निकालना वही चीज है, एयर नॉट टेकन एज इनकम्प्रेसिबल बनते हैं आईसी इंजन में, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट। आप अगर मैंने आपको एक शीट भी दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर की थी, उस शीट में सभी क्वेश्चन हैं ईएससी एंड सिविल सर्विसेज मेंस का है उसमें ठीक, कन्वेंशनल, उसमें गेट का कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है। तो उस शीट में देखना आप हर अल्टरनेट ईयर 20 to 30 मार्क्स का जो आपका वेटेज है कार्बोरेटर और
इंजेक्शन सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है। अगर आप गेट एंड ईएससी की, अगर आप ईएससी की और सिंस की मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं कार्बोरेटर। ठीक है, तो एयर फ्यूल रेशियो अगर आपको इनकम्प्रेसिबल दिया है तो आपके फॉर्मूले अलग यूज होंगे फ्रेंड। अगर आपको कंप्रेसिबल दिया है तो आप कंप्रेसिबल वाला केस सॉल्व कर चुके हो। ठीक है ना, केस टू की मैं बात कर रहा हूँ, तो केस टू में व्हेन एयर इज टेकन एज इनकम्प्रेसिबल देन मास फ्लो रेट उस केस में क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है ना, के टू रो टू इनटू। ठीक, अब यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बर्नौली बिटवीन विच पॉइंट, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। ठीक है ना, कौन सा फर्स्ट सेकेंड? फ्रेंड मैं आपको बता चुका, जब एयर की बात हो तो आपका जो चौक ट्यूब का जो इनिशियल में 1 पॉइंट था, मतलब अगर जब भी एयर की बात होगी, एयर के केस में आप क्या करोगे, ये वाले पॉइंट लोगे हमेशा, दिस पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है आपको। इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे अप्लाई बर्नौली इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैंने अप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बनी, V1 बाई रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G। ठीक है, ये क्या होगा, P2 बाई रो V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस वाट Z2। ठीक है ना, एक चीज तो ये होगी। दूसरा V1 पहले की तरह हम 0 लेंगे क्योंकि velocity V2 is far far greater than V1, that's why V1 equal to 0। ये चौक की जो ट्यूब लेंथ है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमने इन दोनों को भी निगलेक्ट मान लिया जैसा पहले किया था सेम। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा फ्रेंड, यहाँ को V2 मिलेगा, V2 की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सिंपल मिलेगी एज कम्पेयर टू द केस नंबर 1। यहाँ पे जो आप फाइनल सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा ये, जो V2 आ गया, तो V2 जब आ गया हमारा, तो हम आराम से मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकाल सकते हैं। मास फ्लो रेट एयर क्या है, रो टू ए टू एंड टू। तो फ्रेंड यहाँ पे रो टू मतलब डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है ना, तो ए टू हमको पता है, सी डी ए भी ले लो यहाँ पे, सी डी ए, ठीक है, ये एक्चुअल है, मान लो मास फ्लो रेट एक्चुअल है फ्रेंड। यहाँ पे V2 की जगह मैं आपका वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ जो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट की है, जो अभी जस्ट हमने निकाली है वो वैल्यू मैंने पुटअप कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो V2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी जो अभी निकाला है। अब जो आपका डेंसिटी, इसको अंदर ले जाऊँ मैं इसके स्क्वायर रूट के, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, टू रे रू ए P1 माइनस, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एम एक्चुअल इन केस ऑफ टू केस व्हेन एयर इज टेकन एज इनकम्प्रेसिबल। एयर जब इनकम्प्रेसिबल देते हो तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर विल कम्स आउट टू बी फ्रेंड। ठीक है, फ्यूल को हमेशा इनकम्प्रेसिबल मान के चलोगे तो MF का जो आपका एक्सप्रेशन आएगा केस नंबर 2 में, MF एक्चुअल इट विल बी द सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस। यहाँ पे जो भी आएगा प्रीवियस केस का जो है वो सेम, प्रीवियस केस में जो हमने सॉल्व करके निकाला, तो प्रीवियस केस में सॉल्व करके फ्रेंड क्या निकाला था हमने, वो एक्सप्रेशन सेम एज इट इज यहाँ पे पुटअप करना है। वो क्या था, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, सी डी एफ ए एफ टू रो एफ वन माइनस बी टू माइनस जी जेड। ठीक है फ्रेंड, ये था आपका, तो प्रीवियस केस में जो आया था एम एफ एक्चुअल वो एज इट इज होगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल, आप दोनों केस में फ्यूल इज टेकन एज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिर से, मैं एक एयर फ्यूल रेशियो की बात कर रहा था, एयर फ्यूल रेशियो क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ई डी ए ए टू, ठीक है ना, पहले टू रो ए पी वन माइनस पी। ठीक, इसके बाद सी डी एफ ए एफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ रो ए पी वन माइनस पी टू माइनस रो जेड फोर, यहाँ से टू टू विल कैंसिल आउट और फाइनल जो भी बनेगा यहाँ पे लिख सकते हो आप, सी डी ए ए टू अंडर रूट ऑफ रो ए पी वन माइनस पी टू। ठीक है ना, नाउ सी डी एफ ए एफ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर पी वन माइनस पी टू माइनस। ठीक, तो ये आपका एयर फ्यूल रेशियो हो गया इन केस नंबर सेकेंड व्हेन एयर इज टेकन एज बट इनकम्प्रेसिबल। एक चीज याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, न्यूमेरिकल्स बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो उसको। अब हम इसका थोड़ा फर्दर एनालिसिस और करेंगे, ये चीज क्लियर है। इफ जेड इक्वल टू जीरो मतलब क्या है इसका, इफ जेड इक्वल टू जीरो मतलब जो आपकी नोजल टिप है वो जीरो, मतलब आपके जो डिस्टेंस है थ्रोट और जो फ्लोट चैम्बर लेवल है उसमें मान लो कि गैप नहीं, जेड जीरो है, तो आपका उसके इसमें एयर फ्यूल रेशियो क्या होगा, एयर फ्यूल रेशियो विल बी व्हेन जेड इक्वल टू जीरो
ना, तो आपका हुआ सी डी ए टू अपॉन सी डी एफ एफ, ये जीरो होगा, देखिए जेड जीरो होगा, यहाँ पुट करो जेड जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो, पी वन माइनस पी टू विल कैंसिल आउट, और फाइनली आपको क्या मिलेगा रो ए अपॉन, फाइनली क्या मिलेगा रो ए अपॉन रेड। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आ चुका है आपका ई एस में काफी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, तो एक चीज यहां से इस चीज समझ में आ गई हमको, एयर फ्यूल रेशियो जो है अगर आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशन, डेंसिटी ऑफ एयर बोल सकता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ एयर के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लो अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलता हूँ कि एयर फ्यूल रेशियो आपका सी लेवल पे, ठीक है, आपका कुछ था, और मान लो एयर फ्यूल रेशियो आप अगर, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड, अगर आप हाइट्स पे जाओगे जैसे पहाड़ियों पे जाओगे तो एयर फ्यूल की बात करोगे, आप अमाउंट ऑफ एयर की बात करोगे तो एयर की डेंसिटी चेंज होगी ना, बिल्कुल चेंज होगी। एयर की डेंसिटी जब भी चेंज होगी तो आपका एयर फ्यूल रेशियो भी चेंज होगा, मतलब कार्बोरेटर की बात करें हम तो कार्बोरेटर जो आपका मिक्सचर यहाँ देगा इधर ऑन द प्लेन्स, और अब उसी कार्बोरेटर को अगर हाइट्स पे यूज करोगे देन इट विल सप्लाई द रिच मिक्सचर, क्योंकि जो एयर डेंसिटी कम हो जाती है लेकिन फ्यूल क्वांटिटी क्या है सेम मेंटेन है। नाउ द एयर क्वांटिटी विल लेस एंड फ्यूल क्वांटिटी विल मोर, तो सेम कार्बोरेटर विल सप्लाई अ रिच मिक्सचर व्हेन यू विल टेक अप टू द हाइट, जब हाइट पे ले जाते हो किसी व्हीकल को तो सेम कार्बोरेटर आपका रिच सप्लाई देता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, तो एयर फ्यूल रेशियो एट सी लेवल विल बी या एल्टीट्यूड, मान लो एक आपका एयर फ्यूल रेशियो एल्टीट्यूड पे गिवन है कुछ, ठीक है ना, एल्टीट्यूड पे, और एक आपका सी लेवल पे गिवन है कुछ प्लेन्स पे बात करो, तो ये क्या हो जाएगा रो ए सी लेवल अपॉन रो ए एल्टीट्यूड, ये इन दोनों का रेशियो है, याद रखना, ये इससे काफी क्वेश्चन आए हुए, एक बार गेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो याद रखना कि अंडर कंडीशन ऑफ हाई एयर फ्लो रेट कार्बोरेटर डिप्रेशन P1 माइनस P2 इंक्रीजेस, ठीक है ना। लेकिन हम अगर बात करें कि एट हायर एल्टीट्यूड डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, ये चीज ध्यान रखना, एट हायर एल्टीट्यूड डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज एटमोस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, प्रेशर घटता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा और पता है ऊपर जाओगे तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी कम होगी, प्रेशर भी घटेगा। ठीक है ना, देयरफॉर ए सिंपल कार्बोरेटर विद सेम सेटिंग का जो सिंपल कार्बोरेटर है विद सप्लाई एयर क्या रिच मिक्सचर, ठीक है ना, एट हायर एल्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ठीक है ना, एक चीज और यहाँ समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्रिटिकल एयर वेलोसिटी, एक पॉइंट होता है क्रिटिकल एयर वेलोसिटी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एट दिस कंडीशन, ये क्रिटिकल कंडीशन होती है फ्रेंड, हम बोले लिमिटिंग कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग कंडीशन, और इसमें क्या होता है एट दिस कंडीशन क्यू इज जस्ट रीचेस द टिप, क्यू टिप पे तो पहुंच जाता है लेकिन बट नो ड्रॉप और मिक्स अप विद एयर, बट नॉट मिक्स अप, देखो सिंपल वर्ड में मैं समझा रहा हूँ, विद मिक्स अप विद एयर, देखिए होता क्या फ्रेंड, ये वो कंडीशन है जब आपका फ्यूल ये है प्रीवियस ईयर सीएसएम एंड ईएसई मेंस क्वेश्चन, पीडीएफ का नाम है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर सीएसएम एंड ईएसई कन्वेंशनल क्वेश्चंस, आई विल शेयर टूडे ऑल्सो, मैं अभी लेक्चर के बाद आज फिर शेयर कर दूंगा उसको, आप देख लेते हैं, इंक्लूडिंग विद ईएससी क्वेश्चंस, तो ईएससी के आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव मैं आज दे दूंगा आपको, पांच चैप्टर है, ठीक है ना, पांचों चैप्टर में दे दूंगा, आप सॉल्व करके देखना आपसे बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो लिमिटिंग कंडीशन और क्रिटिकल एयर वेलोसिटी फ्रेंड क्या होता है, सिंपल, एट दिस कंडीशन फ्यूल इज जस्ट रीचेस द टिप, फ्यूल आपका टिप पे तो पहुंच जाता है लेकिन मिक्सअप नहीं होता एयर के साथ, ये चीज ध्यान रखना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंडीशन और लिमिटिंग कंडीशन या क्रिटिकल एयर वेलोसिटी। ठीक है, इसको थोड़ा हम इस तरीके से समझ लेते हैं, देखिए इसको डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये वो पॉइंट है यहां से आपका फ्यूल आ रहा है, तो क्रिटिकल एयर वेलोसिटी वो वेलोसिटी ऑफ एयर जो यहां से आ रही है कि इस वेलोसिटी पे आपका यहां प्रेशर डिफरेंस तो होता है मेंटेन, बट जस्ट जस्ट उतना ही प्रेशर होता है कि आपका फ्यूल ड्रॉपलेट यहां तो आ जाता है इस पॉइंट तक,
लेकिन इट विल नॉट मिक्स अप विद द एयर, कहने मतलब कोई आपके मिक्सिंग फ्यूल की नहीं होती, ठीक है, तो प्रेशर जस्ट रीचेस टू द टिप बट नॉट मिक्स अप विद द एयर, देन देन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, एयर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एयर वेलोसिटी, सिंपल, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर है, ठीक। अगर ऐसा है तो वह लिमिटिंग कंडीशन, तो मास फ्लो रेट क्या होगा इसके सिर्फ, फ्रेंड जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, मास फ्लो रेट क्या है, जीरो होगा, मास फ्लो रेट तो होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि आपका टिप तक तो पहुंचेगा फ्यू लेकिन ऐड नहीं होगा, मतलब मास फ्लो रेट विल बी जीरो। और यू नो दैट फॉर मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट हमने अभी निकाला था, ये है आपका मास फ्लो रेट का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपका क्या, ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी वन माइनस पी टू मतलब जी जेड रो है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर डिफरेंस जस्ट आपके इसके इक्वल है, जब इसके इक्वल है मतलब इससे आपका थैंक यू अशोक, थैंक यू, ठीक है ना। तो पी वन माइनस पी टू जो है जस्ट आपका फ्रेंड इसके इक्वल होगा, इसका मतलब ये वो कंडीशन हो गई कि आपका फ्यूल आएगा तो फ्यूल मीटरिंग जेट में, लेकिन होगा क्या, आपका टिप तक पहुंचेगा लेकिन टिप से आपका फाइनली वेंचुरी है और जो थ्रोट है वहां तक नहीं पहुंचेगा, मतलब एयर के साथ मिक्सअप नहीं होगा, मतलब कोई मास फ्लो रेट नहीं होगा फ्यूल का, सिंपल। तो आपका ये दोनों यहां से देखिए पी वन माइनस पी टू ये इसके इक्वल हो जाएंगे, ये कंडीशन आपकी लिमिटिंग कंडीशन और क्रिटिकल कंडीशन होती है, इस पे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो चीज याद रखोगे। अगर हम बर्नौली इक्वेशन से देखें तो हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ एयर क्या थी, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करके भी आपको बताया था, पी वन माइनस पी टू अपॉन रो रो है ना, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था। देखिए यहाँ से देखिए बर्नौली इक्वेशन लगा के जो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर ये आया था, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेंचुरी में प्रेशर इंक्रीज होगा, कहाँ की बात कर रहे हो आप अशोक, कहाँ की बात कर रहे हो, ठीक है ना। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, यहां से आपने V2 निकाला, तो V2 जब निकाला तो यहाँ उस केस में जो V2 होगा तो हम V2 को बोलेंगे V2 क्रिटिकल, क्या बोलोगे आप फ्रेंड, V2 क्रिटिकल, यहाँ पे जो V2 विल बिकम V2 क्रिटिकल व्हेन व्हेन आपका जब वो कंडीशन रीच हो जाती है कि फ्यूल आपका टिप तक तो आता है लेकिन ऐड नहीं होता, मतलब मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल विल बी जीरो, देन जो वेलोसिटी ऑफ एयर है उसको बोलते हैं V क्रिटिकल, सिंपल, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे V क्रिटिकल का स्क्वायर अपॉन टू P1 माइनस P2 अपॉन रोए, बिल्कुल इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी आपकी बढ़ती हुई जाती है, वेलोसिटी जब आपकी बढ़ती हुई जाएगी वेंचुरी में फ्रेंड कुमावत सुनना आप, तो आपका क्या है, जब एयर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है ना, प्रेशर विल डिक्रीज तो आपका जो फ्लोट चैम्बर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, देन बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस द फ्यूल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द फ्लोट चैम्बर टू द टिप, ठीक है ना, तो आप उल्टा बोल रहे हो उसका, ठीक है, लेकिन आप उस केस में जब बात करोगे आप जब वेलोसिटी आपकी क्रिटिकल होगी उस केस में प्रेशर डिफरेंस जस्ट इतना होगा कि आपका टिप तक तो पहुंच जाएगा फ्यूल लेकिन आपका मास फ्लो रेट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अच्छा सिंपली आप ये बताइए, जैसे ये मान लो वेंचुरी है, मैं आप सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका वेंचुरी, ठीक है ना, ये चॉक ट्यूब है, ये वेंचुरी है, ये थ्रोट है, ऑब्वियस सी बात जब एयर यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, जैसे जैसे एयर मूव करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो इस सेक्शन में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा ना, तभी तो यहाँ ये फ्लोट चैम्बर में जो आपका पाइप रहता है फ्यूल जो पाइप यहाँ से, तभी तो आपका फ्यूल सक होकर यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब पी वन माइनस पी टू की जगह हमने अभी क्या निकाला था, जी जेड रो एफ है ना, अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, यहाँ से आपका और रो एफ, तो वी क्रिटिकल क्या हो जाएगा, वी क्रिटिकल विल बी इक्वल टू टी जेड रो एफ अपॉन, ठीक, तो वी क्रिटिकल या क्रिटिकल एयर वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर, हम इसको बोल सकते हैं मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड स्टार्ट द फ्यूल फ्लो व्हेन द नोजल टिप इज प्रोवाइडेड, सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है भाई ये, तो आप बता सकते हो कि वो मिनिमम वेलोसिटी है क्रिटिकल
ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फ्लू फ्लो, मतलब इससे ऊपर चाहिए आपको वो क्रिटिकल वेलोसिटी, इससे ऊपर अगर आप फ्लो कराओगे एयर का तभी आपका फ्यूल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. सिंपल, ठीक है ना. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियोज. रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियोज, क्या रिक्वायरमेंट है एयर फ्यूल रेशियोज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ इंजन ऑपरेशन. अगर इंजन ऑपरेशन की बात करें, इंजन ऑपरेशन यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन ऑपरेशन, ठीक है. दो तरीके के इंजन ऑपरेशन होते हैं तो जनरली हम देखेंगे. एक तो होता है स्टडी स्टेट, यहाँ से गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले, तो आप इसको देख लेना, गेट के हिसाब से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. और ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट ऑपरेशन में जनरली हम क्या लेते हैं, कंप्राइजेज ऑफ दिस कैटेगरी कंप्राइजेज ऑफ थ्री डिफरेंट ऑपरेशन, आइडलिंग IDLING, ठीक है, IDLING, आइडलिंग, ठीक है ना, क्रूजिंग CRUISHING, cruising and maximum power, and maximum power operation, ठीक है फ्रेंड, ये इस कैटेगरी में आ गए. और ट्रांजिएंट मतलब बहुत कम समय के लिए जो चीजें होती है वो ट्रांजिएंट है ना. ट्रांजिएंट मतलब स्टार्टिंग कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है ना, और शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, बहुत कम समय के लिए, ठीक है. तो आप दो तरीके के इंजन ऑपरेशन में आप बांट सकते हैं उसको. अब हम एक एक करके समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा कैसे समझेंगे. ठीक है फ्रेंड, ये आपका जनरली बहुत अच्छे से समझना है, इसको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. साथ में ही यहां से हर साल दो क्वेश्चन आपके ESC ऑब्जेक्टिव में आते हैं. ठीक है ना, तो ये जो ये वाली जो रेंज है इसको बोलते हैं आर्ट लिंग, ये वाली जो रेंज है इसको बोलते हैं आर्ट लिंग, ठीक. और ये जो पूरा रेंज है इसको बोलते हैं क्रूजिंग. ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर रेंज. ठीक, ये आपका 0, ये 20, 80 एंड 100, परसेंटेज टोटल ओपनिंग है, परसेंटेज टोटल ओपनिंग, टोटल ओपनिंग. और हम इसकी बात करें मिक्सचर की, तो ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर वाली लाइन है, एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ पे जो ये जो है इस साइड ये लीन है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये रिच, लीन एंड रिच, इधर से जाओगे तो ये लीन टू रिच. ठीक, ये थ्रोटल ओपनिंग, थ्रोटल ओपनिंग मतलब कितना आप थ्रोटल को ओपन कर रहे हो. तो थ्रोटल कहाँ पे लगा रहता है, जस्ट हमने अभी कार्बोरेटर पढ़ा है, तो थ्रोटल आपका फ्रेंड यहाँ पे कहीं लगा रहता है. ये थ्रोटल एक्सीलरेटर के थ्रू कंट्रोल होता है, किसके थ्रू, एक्सीलरेटर के थ्रू. ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है आपका, यहाँ पे चोक वाल्व रहता है ना. तो ये छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ ली थी. अब हम बात करते हैं आइडलिंग, क्रूजिंग एंड मैक्सिमम पावर, ये तीन ऑपरेशन होते हैं जो आपके. अच्छा, क्रूजिंग में ये एच नहीं होता, सॉरी INGL CRUISING, क्रूजिंग होता है, क्रूजिंग, ठीक है, एच नहीं होता यहाँ पर, INGL. ठीक, अब हम समझ लेते हैं एक एक करके कि सबसे पहले हम देखते हैं आइडलिंग क्या होती है. ये तीनों जो आपके बेसिक हैं ऑपरेशन, ये आपको याद रखना. तो जो इंजन ऑपरेशन है उसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक तो स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट के अंदर हम तीनों ऑपरेशन को स्टडी करेंगे, आइडलिंग, क्रूजिंग एंड मैक्सिमम पावर. और जो सेकंड है ट्रांजिएंट और शॉर्ट लिव्ड, उसके अंदर हम स्टार्टिंग और कोल्ड स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना. अब हम बात करते हैं सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं आइडलिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज आइडलिंग एंड देन व्हाट इज आइडलिंग. एक चीज यहां से समझिए आप, कि जो आइडलिंग है, आइडलिंग आपने देखा कि आइडलिंग जो मिक्सचर है जनरली आपका रिच कैटेगरी साइड है. देखिए तो यहाँ डायग्राम्स क्लियर होना चाहिए कि जो शुरुआत में जब थ्रोटल ओपनिंग बहुत कम होती है, देखिए थ्रोटल ओपनिंग इज वेरी वेरी लेस, मैं इसको अलग कलर से यहाँ पर बताता हूँ. देखिए थ्रोटल जो ओपनिंग है वो बहुत कम है, पहली चीज. दूसरा, मिक्सचर यहाँ पे रिच रिक्वायर्ड रहता है. तो ये दो पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लो कि इन केस ऑफ आइडलिंग थ्रोटल वाल्व ओपनिंग इज वेरी लेस एंड द
इन केस ऑफ आइडलिंग ऑपरेशन एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो रिच रिक्वायर्ड रहता है, मतलब फ्यूल क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। देन तो आइडलिंग क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। देखिए आइडलिंग इज द कंडीशन, इट इज डिफाइंड एज, या आइडलिंग इज डिफाइंड एज डिफाइंड लो लोड, लो लोड और लो स्पीड, लो लोड और लो स्पीड, ठीक है। लो स्पीड यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि वहां पे शायद मेरी फोटो के नीचे आ गया हो। इज डिफाइंड एज नो लोड और लो स्पीड, ठीक है ना। तो नो लोड लो स्पीड ऑपरेशन ऑफ इंजन, ऑपरेशन ऑफ इंजन कॉल्ड एज आइडलिंग, कॉल्ड एज आइडलिंग, दिस इज द आइडलिंग डेफिनेशन, ठीक है ना। नियरली टोटल वाल्व इज क्लोज्ड नियरली, ठीक है ना। तो नियरली इट इज ऑपरेटेड एट नियरली क्लोज्ड टोटल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखोगे। Nearly closed throttle पे ये ऑपरेट होता है, throttle is nearly closed, ठीक है ना। Under condition of idling, engine requires, under condition of idling, engine requires rich mixture, क्या करता है rich mixture हमेशा यहाँ पे आपको चाहिए होता है। Engine requires rich mixture because of प्रॉब्लम ऑफ एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन, ठीक। अब यहां पे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें निकल के आई हैं। एक तो आपको ये समझना है व्हाट इज एग्जॉस्ट गैस, दूसरा यहाँ पे रिच मिक्सचर क्यों चाहिए, ठीक है। तीसरा क्लोज थ्रोटल होता है ये तो ठीक है, चलो हमको पता होना चाहिए। और नो लोड और लो स्पीड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइडलिंग। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो हमको ये समझ में आई है विष्णु, आइडलिंग मतलब रिच, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो रिच मिक्सचर एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन, तो एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन के कारण हमको रिच मिक्सचर चाहिए होता है। तो हमको ये चीज समझना है रिच मिक्सचर चाहिए और एग्जॉस्ट गैस। अब हम ये समझते हैं कि आइडलिंग जो गैस जो एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन है, सबसे पहले हम ये समझते हैं वो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा, सिंपल सा डायग्राम, और ध्यान दीजिएगा। गैसोलीन इंजन में क्या रहता है, देखिए कार्बोरेटर से आपका एक कार्बोरेटर रहेगा, कार्बोरेटर से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स होकर आपका आता है, ठीक है ना। पहले प्रैक्टिकली आप बताइए, प्रैक्टिकली ये कार्बोरेटर हो गया, आप ये कंडीशन इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे आप सिग्नल पे जा रहे हो, सिग्नल पे आप जब गाड़ी क्या है आपका रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट है फ्रेंड, तो रेड लाइट जब भी होगी तो आप ऑब्वियसली बात है आप रुकोगे, लेकिन आप रुकते तो हो वहाँ, लेकिन क्या है आप इंजन को बंद करते हो नहीं, इसमें इंजन आपका चालू है उस कंडीशन को, मतलब स्पीड क्या है फ्रेंड, लो और हो सके लो स्पीड, स्पीड इज वेरी लो, रेड लाइट पे आप गए और नो लोड मतलब कोई लोड नहीं है इंजन पे, आप सिंपली क्या है गाड़ी को स्टार्ट करके खड़े हो, ठीक, कोई गियर नहीं है आपका, बस सिंपली आप स्टार्ट। तो वो कंडीशन जब आप रेड लाइट पे रुकते हो इस कंडीशन को आप बोलते हो आइडलिंग। सिंपल मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूँ। विष्णु यू आर राइट, क्रूजिंग मतलब लीन पावर में इनरिच होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये रेड लाइट पे जब आप खड़े रहते हो तब आपकी जो कंडीशन बनती है वो आइडलिंग के इक्विवेलेंट होती है। आइडलिंग आपके लिए अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो बस समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड ये मान लें लेट वाल्व है, ठीक है ना, एंड दिस वन इज एग्जिट वाल्व, दिस वन इज एग्जिट वाल्व। हम बात यहाँ करते हैं, होगा क्या कि जब आपका आइडलिंग कंडीशन होगी तो आइडलिंग कंडीशन में फ्रेंड जनरली जो पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस, और सिंपली हम बात करें जब आइडलिंग कंडीशन एग्जिस्ट करती है, आइडलिंग कंडीशन के केस में क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन फिनोमेना देखने को मिलता है। देन व्हाट इज द एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन, पहले हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड अंडर आइडलिंग कंडीशन द अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर दैट इज ब्रॉट इज इन मच लेस देन ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन, तो यहां अगर हम बात करें आइडलिंग कंडीशन फ्रेंड सिंपली क्या होगा, देखिए आप आइडलिंग कंडीशन में जैसे नॉर्मल कंडीशन में थ्रोटल वाल्व की ओपनिंग ज्यादा रहती है, जैसे कि हमने एक अभी उससे समझा
So throttle valve opening is more as in normal case, but in case of idling, throttle valve opening is very less. जब थ्रोटल वाल्व ओपनिंग बहुत कम खुली होगी, सिंपल सी बात है, आपका फ्रेश चार्ज जो आएगा इंजन में इज वेरी लेस, जो फ्रेश चार्ज आएगा वो बहुत कम आएगा, सिंपल समझिए आप बात को. व्हेन देयर इज आइडलिंग कंडीशन देन थ्रोटल वाल्व ओपनिंग इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस अ वेरी लिटिल फ्रेश चार्ज कम्स इनटू द इंजन सिलेंडर. जब भी आपका ये कम फ्रेश चार्ज आएगा, लेकिन जब आप एग्जॉस्ट करते हो, यहाँ से एग्जॉस्ट जब आपका बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट आपका हमेशा यहाँ पर रह जाता है, पहली चीज़ें. दूसरा, जब आइडलिंग कंडीशन होती है तो आपको जो कार्बोरेटर जो इंटेक मैनिफोल्ड है यहाँ पे प्रेशर आपका क्या होगा फ्रेंड, ज्यादा होता है. मान लो सपोज 1.0 बन रहा है, और आपका जब यहाँ बात करें यहाँ प्रेशर आपको रहता है सपोज 0.99 बार, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस ऑल्सो इंसर्ट इन टू द दिस दिस इज हैपेंस इन केस ऑफ आइडलिंग कंडीशन. अब होगा क्या, जब आपने फ्रेश चार्ज को सक किया, पिस्टन को नीचे मूव किया, देन फ्रेश चार्ज बिन सक, ऑलरेडी लेस थ्रोटल वाल्व ओपनिंग थी, ऑलरेडी क्या है जो आपका चार्ज है वैसे बहुत कम आने वाला है, ऊपर से क्या है कि प्रॉब्लम क्या आ गई, जो एग्जॉस्ट गैस है वो भी आपका पाइपलाइन में जो इनलेट मैनिफोल्ड वाला पाइपलाइन है इसमें जाकर भर जाती है और फिल हो जाती है. तो आपका जब भी ये चार्ज आएगा देन क्या होगा, इस चार्ज को ये डायल्यूट करेंगे, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन. इस फिनोमेना को बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन. व्हेनेवर द फ्रेश चार्ज कम्स इन टू द कॉन्टैक्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एंड द फिनोमेना विल हैपन दिस कॉल्ड एज एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन. तो बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट डायल्यूशन फर्दर आपका क्या होगा, फ्यूल का जो लिटिल फ्यूल आ रहा था उसका भी आपका क्या है, वो डायल्यूट हो जाएगा. तो ऐसे में अगर हमको फ्यूल बर्न करना है तो हम क्या करेंगे, सर्टेन रिच अमाउंट में, या हम जो बोलेंगे कि एयर फ्यूल जो रेशियो है उसको थोड़ा सा रिच रखेंगे, जिससे क्या है फ्यूल पार्टिकल जब आपके ज्यादा होंगे तो आपका क्या बर्निंग होने में आसानी होगी. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइडलिंग. आइडलिंग में जो आप फ्यूल रिच क्यों रखते हो, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन. एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन कारण आपका जो बहुत कम लिटिल फ्रेश चार्ज इज कम बिकॉज ऑफ व्हाट, लेस थ्रोटल वाल्व ओपनिंग. तो उस चार्ज को जलने में क्या प्रॉब्लम होती है, जब आपका वो एग्जॉस्ट गैस के साथ मिलता है एंड इट विल बिकम डाइल्यूट, तो उसको बर्न करने के लिए हम थोड़ा सा फ्यूल को क्या रखते हैं, फ्यूल क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू एयर, और हम बोलेंगे कि रिच फ्यूल एयर सप्लाई रखते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस आसानी से फ्यूल चलने लगता है, ठीक है ना. तो ये इस फॉर्मूला को बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन, सिंपल है. तो एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन अंडर द कंडीशन ऑफ आइडलिंग, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ फ्रेश चार्ज दैट इज ब्रॉट इज इन मच लेस देन ड्यूरिंग फुल थ्रोटल ऑपरेशन ड्यू टू वेरी स्मॉल ओपनिंग ऑफ थ्रोटल वाल्व, ठीक है ना, सिंपल. दिस रिजल्ट इन मच लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस गेटिंग मिक्स्ड विद द फ्रेश चार्ज, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फ्रेश चार्ज गेट डायल्यूटेड, ठीक है ना, और इसके कारण आपका फ्रेश चार्ज डायल्यूट हो जाता है, ठीक. फर्दर अंडर आइडलिंग कंडीशन प्रेशर इन द इनटेक मैनिफोल्ड, फ्रेंड इसको बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है. इनटेक मैनिफोल्ड में क्या होता है, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू विच रेस्ट्रिक्शन टू एयर फ्लो व्हेन इनटेक वाल्व ओपन द प्रेशर डिफरेंशियल के कारण आपका ये जो कंप्रेशन चैम्बर का थोड़ा सा एग्जॉस्ट है वो भी यहाँ पे चला जाएगा. विष्णु मैंने जस्ट अभी बताया था स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू द स्टोइकोमेट्रिक. मैंने ये जस्ट आपको इससे पहले वाला लेक्चर आप देखिए विष्णु, मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना. आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो. उसको स्टोइकोमेट्रिक इक्विवेलेंस रेशियो फाई, स्टोइकोमेट्रिक देखो मैंने आपको इक्विवेलेंस रेशियो फाई की भी डेफिनेशन बताया. स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो की मैं बात करूँ तो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो मतलब आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक, सिंपल समझना. एंड इक्विवेलेंस रेशियो फाई की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू द स्टोइकोमेट्रिक. तो दो चीजें हैं जो आपको बहुत जानना है आईसी इंजन में, इक्विवेलेंस रेशियो मैंने इसके बारे में पूरा बताया आपको, स्टोइकोमेट्रिक के अगर आपने पूछा है तो स्टोइकोमेट्रिक मतलब केमिकली करेक्ट, बिल्कुल राइट मास. केमिकली करेक्ट मतलब होता है कि मिनिमम जो आपका अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है ना, इसका मतलब है केमिकली करेक्ट. तो इसको आप प्रीवियस लेक्चर देखिए मेरे प्लीज, है ना. इंटेक मैनिफोल्ड में आपका प्रेशर डिफरेंस होता है, उसके कारण क्या है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एग्जॉस्ट गैसेस आपके यहाँ पे आ जाती हैं, ऊपर से आपका आइडलिंग प्रोसेस कारण क्या है, बहुत कम चार्ज आता है वो मिक्स होता है, इट विल डाइल्यूट द होल फ्रेश चार्ज एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू बर्न द फ्रेश चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस वी सप्लाई सर्टेन रिच मिक्सचर सो दैट द बर्निंग विल बी प्रॉपर, ठीक है ना. तो ये आप समझिए, दिस इज कॉल्ड एज आइडलिंग. आई थिंक आइडलिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है ना. आगे बढ़ सकते हैं. तो प्रॉब्लम ऑफ एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन देयरफॉर रिजल्ट इन पुअर कंबशन. तो एग्जॉस्ट गैस डायल्यूशन का क्या होता है, पुअर कंबशन होता है.
Therefore, it is necessary to provide more fuel particle by making mixture rich. ठीक है ना, तो जब भी एक्सो गैस डाइल्यूशन होगा इस कारण आपका कम्बशन इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा, पुअर होगा, तो उसको थोड़ा सा क्या है रिच फ्यूल सप्लाई देते हैं टू मेक इट अ मिक्सचर रिच बिकॉज सो दैट दे कैन बर्न. ठीक है, दिस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड एयर एंड हेंस इंप्रूव द कम्बशन. और अगर आप ऐसा करते हो रिच एयर फ्यूल मिक्सचर रखते हो, रिच मिक्सचर रखते हो, तो क्या है आपका फ्यूल पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है कम्बशन होने की, अच्छा कम्बशन होने की. ठीक है ना, ये चीज आएगा इम्प्रूव द कम्बशन प्रोसेस सिंपली. और आइडलिंग के केस में अगर एयर फ्यूल की हम बात करें फ्रेंड, तो एयर फ्यूल जो रेशियो जो है जनरली वो रहता है 12 to 12.5. ये चीज आपको जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी किसी बुक में 10 to 12 दिया है तो कंफ्यूज मत होना, 10, 11 to 12. ठीक है ना, तो 12 to 12.5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना. ये प्रोसेस क्लियर है, आप आगे बढ़े नेक्स्ट क्रूजिंग. देखिए क्रूजिंग में क्या है कि आपका आइडलिंग के बाद आप आगे बढ़े तो एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है. नाउ एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व इनसिग्निफिकेंट ड्यूरिंग क्रूजिंग. क्रूजिंग में एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होती, थ्रोटल वाल्व ओपनिंग प्रॉपर होती है 20 to 80%. ठीक है ना, नाउ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इन केस ऑफ क्रूजिंग क्या रहता है बिकम्स टू अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ क्रूजिंग बिकम्स टू अचीव बेटर फ्यूल इकोनॉमी. बेटर फ्यूल इकोनॉमी के लिए हम क्रूजिंग में क्या मिलता है, बेटर फ्यूल इकोनॉमी. नाउ एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व, अब आगे बढ़ते हैं. तो अब प्राइमरी पर्पस क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव देयरफॉर बिकम टू अचीव अ बेटर फ्यूल इकोनॉमी. और क्रूजिंग का मतलब क्या है, 20 to 80%. ठीक है ना, ऑफ थ्रोटल ओपनिंग. यहाँ पे जनरली क्या होता है, ऑफ थ्रोटल ओपनिंग ऑपरेशन इज नोन एज थ्रोटल ओपनिंग ऑपरेशन इज नोन एज क्रूजिंग. क्रूजिंग आपसे पूछा जाए, ऑपरेशन इज नोन एज क्रूजिंग. क्रूजिंग इज नोन एज क्रूजिंग. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्रूजिंग, तो आप बोल देना 20 to 80% ऑफ टोटल वाल ओपनिंग ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्रूजिंग ऑपरेशन. जब नो लोड और लो स्पीड ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडलिंग ऑपरेशन. ठीक है ना, यहाँ पे बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, वहां पे रिच मिक्सचर देना पड़ता है. बेटर फ्यूल इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे जो मिक्सचर है वो कैसा रहता है, लीन रहता है. ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है ना, और बेटर फ्यूल इकोनॉमी स्लाइटली लीन मिक्सचर इज प्रोवाइडेड, लीन मिक्सचर यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, सप्लाई. ठीक है, रिजल्टिंग मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो रेशियो है वो भी आप यहाँ पे लिख लो 16 to 16.5 के अराउंड. एयर फ्यूल रेशियो जो है आपका जनरली यहाँ हम देते हैं 16 to 16.5, जो कि आपका क्या है बेस्ट इकोनॉमी देता है. अब देखिए मैक्सिमम पावर, थर्ड वन इज मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर की बात करें तो ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ऑपरेशन इंजन रिक्वायर्स अ रिच मिक्सचर. मैक्सिमम पावर के केस में हमेशा आपका जो इंजन रहेगा वो रिच मिक्सचर रिक्वायर्स करेगा और रिच मिक्सचर उसको चाहिए होगा. ठीक है, क्योंकि हायर पावर आउटपुट चाहिए तो हमेशा आपको मिक्सचर कैसा लगेगा, रिच लगेगा. टू गेट अ हायर पावर आउटपुट, तो पावर मैक्सिमम के हायर पावर आउटपुट के लिए हमको रिच मिक्सचर सप्लाई करना पड़ता है, तो ये चीज ध्यान रखो. ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर हो गया. तो जनरली एयर फ्यूल जो रेशियो यहाँ लेते हैं कैसा लोगे आप, 12 to 13. रिच होता है, ठीक है, 12 to 13. आइडलिंग में और ज्यादा रिच होता है, यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज्यादा रहता है, 12 to 13 याद. ठीक, नाउ कम्स टू द सेकेंडरी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट तो क्या होता है, मोमेंटली होता है, शॉर्ट लिव होता है. ठीक है ना, अगर हम बात करें स्टार्टिंग ट्रांजिएंट का, जो पहला ऑपरेशन होगा स्टार्टिंग. यहाँ अगर हम फ्रेंड बात करें तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग टेम्परेचर लो. अगर हम स्टार्टिंग कोई व्हीकल है, कोई भी व्हीकल, आप टू व्हीलर लो, फोर व्हीलर लो, सर्दियों में लो, तो क्या होता है जब भी स्टार्ट करोगे तो आपका क्या होगा फ्रेंड, स्टार्टिंग में क्या है, टेम्परेचर ऑफ इंजन इज वेरी लो. टेम्परेचर इज वेरी लो. ठीक है, टेम्परेचर इज लो. अब होगा क्या, द फ्यूल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म. तो फ्यूल हमेशा आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, फ्यूल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म. प्रॉपर वेपराइजेशन नहीं होगा तो उसको बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी, फ्यूल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है ना, तो फ्यूल वेपर में कंडेंस, और जब भी फ्यूल वेपर आएगी वो हमेशा कंडेंस होती जाएगी. तो अगर आप चाहते हो शुरुआत में बर्निंग प्रॉपर हो, तो इसलिए आप क्या करते हो, फ्यूल की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देते हो और फ्यूल सप्लाई कैसी रिच रखते हो. तो ट्रांजिएंट में जो पहला ऑपरेशन स्टार्टिंग, उसमें आप जब भी स्टार्टिंग हुआ, तब जब भी देखना आप, कभी भी स्टार्टिंग में आप देखोगे ट्रांजिएंट ऑपरेशन में, हमेशा आप जो मिक्सचर लोगों को रिच लोगे, फ्यूल क्वांटिटी ज्यादा लोगों की, जिससे कि बर्निंग शुरुआत में अच्छे से स्टार्ट हो जाए. एक और बर्निंग स्टार्ट हो जाए, इंजन का टेम्परेचर रिच हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, देन
आपके बेशक आप मिक्सर को लीन कर सकते हो, ठीक है। चीज ध्यान रखना, जब भी स्टार्टिंग होगी तो मिक्सर आप रिच लेते हो, क्यों? आपसे पूछा जाके बोल देगा, टेम्परेचर हमेशा लो रहते हैं, सिलेंडर वॉल्स के कॉन्टेक्ट में जब भी फ्यूल आएगा देन इट विल कंडेंस, कंडेंस होने के कारण प्रॉपर बर्निंग नहीं होती बल्कि वेपराइजेशन होना चाहिए। तो उसको अगर कंडेंस हो रहा है तो ब्राउन बर्निंग प्रॉपर नहीं होती, तो मेक इट अ प्रॉपर वी सप्लाई सर्टेन रिच मिक्सचर सो दैट इट कैन बर्न, ठीक है ना, इसलिए हम रिच मिक्सचर लेते हैं। ये चीज याद रखना, जनरली जो स्टार्टिंग में 3 to 5, यहाँ तो बहुत ज्यादा रिच लेते हो, 3 to 5 के आसपास लेते हो, ठीक है ना। ये आपका कार्बोरेटर के बारे में जो चीजें हैं वो हमने देखी यहाँ, ठीक है ना। तो आइडलिंग के केस में, अच्छा आपने ये नहीं पूछा, आइडलिंग के केस में अगर ऐसा है तो आइडलिंग के केस में थ्रोटल वाल्व तो बंद है, फ्रेश चार्ज ठीक है, तो मैं रिच मिक्सचर आप कैसे सप्लाई कर सकते हो, कहाँ से होगा रिच मिक्सचर, देखिए कैसे होगा। देखिए फ्रेंड, ये डायग्राम है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से एक आइडिया दे दूँ, ये डायग्राम है देखिए। तो आपका अगर ये थ्रोटल वाल्व, ये जो यहाँ पे थ्रोटल वाल्व है क्लोज है, ठीक है ना, कनेक्शन में है, देखिए मोहित है, बिल्कुल है, ठीक है, थ्रोटल वॉल्व है ये, तो थ्रोटल वॉल्व में अगर ये बंद है प्रॉपर, ठीक है, तो अब बताइए एयर फ्यूल जो आपका मिक्सचर रिच कैसे हो जाएगा, कुछ तो एयर यहाँ पे आया, ठीक है ना, फ्यूल कहाँ से आएगा, फ्यूल का ये सपोर्ट करेगा नहीं फ्रेंड। उस केस में क्या होता है, आपकी अलग एक लाइन होती है जिसको बोलती हो आइडलिंग एयर ब्लीड, दिख रहा है आपको, तो आइडलिंग एयर ब्लीड और आइडलिंग एडजस्टमेंट स्क्रू की हेल्प से आपका फ्यूल आता है। व्हेन आवर थ्रोटल वॉल्व इज क्लोज इन केस ऑफ आइडलिंग ऑपरेशन, तो आपका क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन व्हाट दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, यहाँ पर दिख रहा है आपको, बिकॉज ऑफ दिस अ फ्यूल इज सक्ड इनटू फ्रॉम फ्लोट चैम्बर सक्ड इनटू दिस लाइन, यहाँ पे फ्यूल आपका सक होता है और ये होता क्या है, इट विल फ्लोट एंड गोज टू दिस, यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है ना, समझिए आप बात को। तो ये वो वाली लाइन है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, जब आपका यहाँ से फ्यूल बहुत कम होता है तो रिच कहाँ से हो गया, रिच यहाँ से हो गया फ्रेंड, आइडलिंग जो एयर ब्लीड है यहाँ पे जो ब्लीड होके आई है, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस द फ्यूल विल सक एंड एयर विल हियर विल मिक्स अप इन दिस लाइन एंड गेट द हियर अ रिच मिक्सचर, ठीक है ना। तो रिच मिक्सचर कहाँ से मिला, बिकॉज ऑफ आइडलिंग एयर ब्लीड और बिकॉज ऑफ आइडलिंग एडजस्टमेंट स्क्रू के कारण। ये चीज ध्यान रखना, ये कहीं कहीं दिया नहीं है तो आप इसको ध्यान रखिए कि आप बोलोगे जब थ्रोटल वाल्व क्लोज है आइडलिंग केस में तो कहाँ से मिला रिच मिक्सर, रिच मिक्सर हमको मिलता है ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट याद रखिए, ये एक्टिव हो जाता है इन केस ऑफ आइडलिंग, इन केस ऑफ आइडलिंग दिस पार्ट विल बिकम, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो, तब स्टार्टिंग जो ड्यूरिंग स्टार्टिंग टेम्परेचर आप लो, फ्यूल रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म, मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, ट्रांजिट, ठीक है ना, फ्यूल पेपर में कंडेंस ऑन कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विद कोल्ड सिलेंडर, सिंपल फ्रेंड। देयरफॉर इवन दो द एयर फ्यूल रेशियो इज विद इन द नॉर्मल कम्बशन रेंज, the ratio of evaporated fuel to air is less, therefore during starting a very rich mixture is supplied, general jo air fuel rich ratio rehta hai 3 to 5 rehta hai, okay, yaad rakhiye. To aur idling ke case mein acha chalk ka aur dekh lo, chalk kya hota hai, dekhiye chalk ka bhi apna ek alag purpose hai, chalk jo bolte hain jab gaadi start nahi hoti chalk laga do, it is used to provide rich mixture, iska function kya hai, ye rich mixture provide karne ke liye use hota hai, theek hai, gaadiyon mein aap log 2 wheeler ho ya 4 wheeler ho, फोर व्हीलर में तो क्या नहीं दिखता, टू व्हीलर में आप चॉक लगा के क्या स्टार्ट करते हो ना उसको, तो रिच मिक्सचर प्रोवाइड करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते जिसको बोलते हैं चॉक, ठीक है। इन केस ऑफ व्हाट, विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या है जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी का अगर आप बात करो समर की, तो ऑलरेडी फ्यूल बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोल्ड स्टार्टिंग की, लेकिन जो चॉक है जनरली कोल्ड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होता है, याद रखिए एक बेसिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। अब ये आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है, देखिए टाइप ऑफ जो कार्बोरेटर है वो हमारे कहीं सिलेबस में नहीं है, ना ईएससी में है, ना गेट में है ना, और ना आपके सिविल सर्विसेज, इसलिए मैं उनको नहीं करा रहा। जनरली आपने जो पढ़े होंगे जेनिथ, मैंने आपको सिंपल कार्बोरेटर बताया, जेनिथ हुआ, सोलेक्स हुआ, ठीक है ना, और कार्टर हुआ, तो इन सबको आप देख सकते हो बुक से, ठीक है ना, एसयू टाइप हुआ, तो ये आपके जनरल कार्बोरेटर है। कुछ अब नाउ कम्स टू द प्रॉब्लम, बाद में देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम से पहले हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक,
Yes. कार्बोरेटर में फ्रेंड बेसिकली क्या था, कार्बोरेटर में क्या था समझिए आप बात को, एयर जेट विल कम्स, कार्बोरेटर ऐसा कुछ था जो वेंचुरी थी, ठीक है ना, आपने ध्यान दिया, ये यहां से कुछ एयर आती थी एंड एयर विल स्ट्राइक टू द फ्यूल, यहां से फ्यूल आता था, ठीक है ना, फ्यूल आया तो एयर विल स्ट्राइक टू द फ्यूल, ये फ्यूल को स्ट्राइक करता था एंड इट विल हेल्प इन एटोमाइजेशन एंड वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल, समझ में आ रहा है, एटोमाइजेशन एंड वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल इन केस ऑफ कार्बोरेटर। अब कम्स टू द इंजेक्शन सिस्टम फ्रेंड, इंजेक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट, पर्पस सेम है दोनों का, कम्बसिबल मिक्सचर बनाना, अगर मैं पर्पस की बात करूं दोनों का पर्पस सेम है, टू मेक अ कम्बसिबल मिक्सचर, दोनों का पर्पस सेम है फ्रेंड, लेकिन ये समझिए बेसिक डिफरेंस कहां पे आता है। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट, जनरली कहां पे यूज होता है, ये जनरली वर्किंग ऑफ सीआई इंजन में देखने को मिलता है, सीआई इंजन ठीक है ना, कंप्रेस्ड इग्निशन, द इंजन परफॉर्म दैट इज द पावर आउटपुट इकोनॉमी जनरली डिपेंड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंजेक्शन सिस्टम, तो जितना अच्छा इंजेक्टर होगा, इंजेक्शन सिस्टम होगा, उतना ज्यादा पावर आउटपुट होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी होगी, तो पावर आउटपुट एंड इकोनॉमी बोथ डिपेंड अपॉन द इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है ना। अब इट हैज टू परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या, इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग, इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, कंट्रोलिंग द कंबशन प्रोसेस, जो कि वहां पे भी यही था। अब फ्रेंड ये तो बात हो गई सिंपल सी, यहां तक समझ में आया, अब मैं आपको यहां से, मैंने कार्बोरेटर क्यों यहाँ पे बना दिया है, देखिए कार्बोरेटर में आपको समझ में आया कि हाई वेलोसिटी एयर आती है, स्ट्राइक करती है फ्यूल से, देन फ्यूल विल गेट एटोमाइज्ड एंड वेपराइज्ड, ये चीज हमको यहाँ समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सिंपली इंजेक्शन सिस्टम की, तो पर्पस ऑफ कार्बोरेशन और फ्यूल इंजेक्शन सेम सेम है दोनों का, कि प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कंबस्टिबल मिक्सचर, दोनों का पर्पस सेम है कि प्रिपरेशन करना है किसी, कंबशन मिक्सचर की, तो दोनों का पर्पस तो सेम है, कंबस्टिबल मिक्सचर बनाना जिससे कि आसानी से बर्निंग हो सके, मिक्सचर को बनाना, बट डिफरेंस कहाँ आता है, अब हम इसको समझ लेते हैं, है ना। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है इसको देखते हैं, तो एक चीज तो ये होगी, दूसरा कार्बोरेटर की बात मैं करूं फ्रेंड, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंजेक्शन हो गया या इंजेक्टर हो गया, तो कार्बोरेटर में क्या है, एयर, हाई वेलोसिटी एयर, हाई, ध्यान से सुनना, हाई, दोनों काम सेम है, कंबस्टिबल कंबस्टिबल मिक्सचर बनाना, हाई वेलोसिटी एयर स्ट्राइक्स टू द फ्यूल, फ्यूल से स्ट्राइक करती है और दोनों मिक्सअप होते हैं कंबशन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाई वेलोसिटी किसकी रहती है, हाई वेलोसिटी ऑफ, ध्यान देना, फ्यूल जेट, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो फ्रेंड, ये इंजन सिलेंडर है, यहाँ पे इंजेक्टर लगा है, फ्यूल को इंजेक्ट करते हो इन इन व्हाट, इन आइडल कंप्रेस्ड एयर में, सिंपल, यहाँ समझिए यहाँ पे पर्पस एकदम डिफरेंट है, यहाँ पे आप बेसिकली कर क्या रहे हो, इंजेक्टर में हाई वेलोसिटी फ्यूल जेट होता है, उसमें आप कंप्रेस्ड एयर में इंजेक्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे हाई वेलोसिटी एयर स्ट्राइक्स टू द फ्यूल जेट, समझ रहे हो ना, ये दोनों में डिफरेंस ही है, वर्किंग अलग है, पर्पस दोनों का सेम है, थोड़ा सा प्रिंसिपल अलग है, इन केस ऑफ कार्बोरेटर फ्यूल इज एटोमाइज्ड, यहाँ पे फ्यूल जो एटोमाइज होता है बाय व्हाट, हाई एयर स्पीड जेट से, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल स्पीड एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, फ्यूल स्पीड एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, पॉइंट ऑफ डिलीवरी पे आपकी फ्यूल जो स्पीड रहेगी इज ग्रेटर देन एयर स्पीड, सिंपल, एयर स्पीड जो हॉट कंप्रेस्ड एयर है उसकी स्पीड क्या कम रहेगी एज कंपेयर टू द फ्यूल स्पीड, सिंपल, यहाँ पे एयर वेलोसिटी क्या रहेगी, एयर की जो स्पीड रहेगी फ्रेंड्स, सॉरी, एयर की स्पीड जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी किससे, फ्यूल की स्पीड से, ये दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, आप पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, कोट कर सकते हो, फ्यूल स्पीड एट पॉइंट ऑफ डिलीवरी इज ग्रेटर देन द एयर स्पीड, ठीक है, यहाँ पे एयर स्पीड इज ग्रेटर देन द फ्यूल जो आपका आ रहा है फ्यूल मीटिंग जेट से, उससे ज्यादा होती है, ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम सेम है, कंबसिबल मिक्सचर को बनाना, ठीक है ना। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंजेक्शन,
फ्रंट इंजेक्शन सिस्टम में यहाँ पे एक होता है एयर इंजेक्शन सिस्टम, है ना। यहाँ पे आप कंप्रेस्ड, यहाँ पे कंप्रेसर यूज करते हैं, कंप्रेसर इज यूज, बहुत आउटडेटेड है, हेयर कंप्रेसर इज यूज। एक होता है एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम, एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम और सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, है ना, याद रखना। यहाँ पे पंप इज यूज, जनरली यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पंप इज यूज, याद रखिए। दो तरीके के इंजेक्शन सिस्टम है, एयर इंजेक्शन सिस्टम और एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम, सॉलिड इंजन। यहाँ पे पंप यूज होता है, यहाँ पे आपका कंप्रेशर यूज होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी में। नाउ फ्रेंड, थोड़े से हम कुछ इंजेक्शन इंजेक्टर के टाइप देख लेते हैं जो एक आध बार कभी कभार एग्जाम में आए, इंजेक्टर से बहुत कम आया है। तो देखिए अरेंजमेंट कैसे रहता है, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एयरलेस जनरली हम यूज करते हैं, अभी एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन। यहाँ पे देखिए जनरली आप ये इस पे इतना ध्यान है, यहाँ देखो बस आप एक दो चीज में मेरे को आपको बताना है। यहाँ पे एक तो इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम होता है यहाँ पे, सेकेंड टाइप जो है फ्रेंड बिल्कुल बोल सकते हैं इंजेक्टर में फ्यूल, विष्णु इंजेक्टर में फ्यूल कम लग सकता है क्योंकि वहां पे आप फ्यूल की क्वांटिटी को मेंटेन करते हो। केस ऑफ सीआई इंजन यू मेंटेन द फ्यूल क्वांटिटी एज पर द रिक्वायरमेंट, आप वेरी कर सकते हो बाद में, बट इन केस ऑफ सीआई इंजन सॉरी एसआई इंजन वहां पे आपका क्या मिक्स होकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हो इकोनॉमी आपको अच्छी मिलती है यहाँ से। और एक होता है यूनिट इंजेक्शन सिस्टम, थर्ड वन इज कॉमन रेल, कॉमन रेल। इसके दो टाइप होते हैं, एक आपने देखा वो सीआरडीआई इंजन लिखा रहता है गाड़ियों पे, सर आपको ध्यान दिया, एक टाटा सफारी डाइको ऐसा रहता है सीआरडीआई इंजन, ध्यान दिया आप लोगों ने, पता नहीं। तो इसका मतलब डाइको का मतलब होता है डायरेक्ट इंजेक्शन, जो वर्ड जो है आपके ऑटोमोबाइल और गाड़ियों में लिखे रहते हैं डीआई इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल सिस्टम को डाइको को बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है बेसिकली, इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड पहला वाला मैं आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे एक दो चीज बताना है क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा समझिए आप, एक डायग्राम मैं और बना देता हूँ एक साथ ही। यहाँ पे ध्यान से देखना आप उसको डायग्राम को, ये हो गया एक हाई प्रेशर पंप, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है आपका फ्यूल, ठीक। तो लो प्रेशर इंजेक्शन, एक चीज और फ्रेंड, जब भी इंजेक्शन सिस्टम आप लोगे तो इंजेक्ट करोगे फ्यूल को किसमें, हॉट कंप्रेस्ड एयर में, तो यू हैव टू मेंटेन अ वेरी हाई प्रेशर ऑफ फ्यूल, फ्यूल को आपको बहुत हाई प्रेशर से इंजेक्ट करना होता है, ये चीज समझिए आप। आप बेसिकली होता क्या है सीआई इंजन में फ्रेंड, ये मान लो इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर में आप यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, जब आप उसको कंप्रेस करते हो यहाँ फ्यूल जो आप एयर है, एयर को कंप्रेस करते हो तो एयर का जो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, और आप चाह रहे हो प्रॉपर एटोमाइजेशन वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल का, तो इंजेक्टर से जो फ्यूल आया उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए टू मेंटेन हाई प्रेशर, दैट्स व्हाई वी यूजिंग ए हाई प्रेशर पंप एंड नोजल, दिस इज नोजल। तो फ्रेंड मान लो दो सिलेंडर है आपके, दो सिलेंडर है तो आपके यहाँ पे नोजल लगी हुई है, नोजल से आप फ्यूल को इंजेक्ट करते हो इस सिलेंडर में, ठीक है ना, और यहाँ इस सिलेंडर में, ठीक है। ये हाई प्रेशर पंप है जो यहाँ पे इसको फ्यूल को भेज रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और हाई प्रेशर जो पंप है यहाँ से, जो लो प्रेशर जो इंजेक्शन पंप है यहाँ से आपका फ्यूल आया, देन हाई प्रेशर पंप विल कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट हाई प्रेशर, देन इट विल
इंजेक्ट विद द हेल्प ऑफ सम नोजल, तो यहाँ पर नोजल लगी रहती है, ठीक है, नोजल लगी रहती है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो ये अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम या इंजेक्टर सिस्टम, ठीक है, पहला वाला का है। दूसरा जो टाइप आपको दिख रहा है इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये नोजल है, इसी के ऊपर यहाँ पे पंप लगा है, नोजल है इसी के ऊपर यहाँ पे पंप लगा है, ठीक है ना। और यहाँ जो आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हो किसके हेल्प से कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ सम लो प्रेशर इंजेक्शन सिस्टम। ये लो प्रेशर इंजेक्शन सिस्टम है फ्रेंड, यहाँ पे हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर, और ये क्या है फ्रेंड, ये दोनों जो है नोजल है, ये नोजल है। तो जब आपका पंप एंड नोजल मेक अ सम इंटीग्रेटेड यूनिट एंड देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिट इंजेक्शन सिस्टम, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिट इंजेक्शन सिस्टम। सिंपल समझिए, देखिए ये नोजल है, नोजल की हेल्प से आपने इंजेक्ट किया, हाई प्रेशर का आप इंजेक्ट करोगे तभी कोई मतलब है, नहीं तो एटोमाइजेशन वेपराइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो फ्यूल का जो प्रेशर है इट शुड बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि आप हॉट कंप्रेस प्रेशराइज एयर में आप फ्यूल को इंजेक्ट करते हो, ठीक है, समझिए आप बात को। यहाँ पे यू हैव टू मेंटेन अ वेरी हाई प्रेशर इन केस ऑफ इंजेक्टर, इन केस ऑफ सीआई इंजन्स। यहाँ पे आप हाई प्रेशर से आपने फ्यूल को इंजेक्ट किया, देखिए दो सिलेंडर है ये, तो हाँ जो पंप है और नोजल है इट विल मेक एस इंटीग्रेटेड वन यूनिट, देन वी कॉल्ड एस यूनिट इंजेक्शन सिस्टम। यहाँ पे इंडिविजुअल पंप में पंप दोनों नोजल के लिए अलग अलग है, इसलिए हमने बोला इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा अब ये समझिए आपका कॉमन रेल सिस्टम क्या होता है, कॉमन रेल सिस्टम क्या होता है फ्रेंड, ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। कॉमन रेल सिस्टम क्या होगा, देखिए जब आपका डायग्राम कुछ ऐसा हो, डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये हो गया। दूसरा आपने एक चैनल प्रोवाइड करा दिया, क्या है, हाई प्रेशर हेडर बोलते हैं इसको, हाई प्रेशर हेडर एक तरीके का चैनल है। यहाँ पे जो फ्यूल आया कहाँ से आया, लो प्रेशर फ्यूल जो आया फ्रेंड फ्यूल टैंक से, इट विल गोज टू द हाई प्रेशर हेडर। तो जो हाई प्रेशर हेडर है यहाँ पे नोजल लगा रहता है, ठीक है, ये नोजल लगा है, तो नोजल की हेल्प से ये फ्रेंड यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट रहता है, हाई जो हाई प्रेशर हेडर है वहाँ पे नोजल आपकी कनेक्ट रहती है। तो जितना रिक्वायरमेंट है ये चैनल है किसका, फ्यूल का, यहाँ से फ्यूल आपको सप्लाई होता है, ठीक है। तो आपका जब डायरेक्ट कॉमन रेल मतलब आपके कॉमन चैनल हो जिसके हेल्प से फ्यूल जाएगा, इस सिस्टम को बोलते हैं डायपोल सिस्टम या बोले कॉमन रेल सिस्टम। ये कॉमन रेल है, अलग अलग पंप नहीं है, एक कॉमन चैनल है, उसके हेल्प से ही आपका क्या है, हाई प्रेशर चैनल है, उसके हेल्प से आपका फ्यूल जा रहा है दोनों केसेस में, दोनों नोजल्स में, यहाँ पे कॉमन रेल है फ्रेंड, इसलिए कॉमन रेल सिस्टम बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये कुछ टाइप थे, ये चीज हमको याद रखनी थी यहाँ पे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके डेरिवेशन। तो इक्वेशन यूज्ड इन, इक्वेशन यूज्ड इन इंजेक्शन, इक्वेशन क्या यूज करते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से सुनना फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, कितना वॉल्यूम आपने फ्यूल इंजेक्ट किया पर साइकिल में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकेस ऑफ इंजेक्शन सिस्टम। यहां हम बात करें पहला तो कोफिशियंट ऑफ, ये क्या होता है, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंजेक्टर, ये ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजेक्टर, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई वॉट, एरिया ऑफ इंजेक्टर, एरिया ऑफ इंजेक्टर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ इंजेक्शन, क्या वेलोसिटी है इंजेक्शन, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई वॉट टाइम पीरियड, इंजेक्शन का टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड फॉर वन इंजेक्शन, मतलब आपने जब इंजेक्शन किया तो एक इंजेक्शन कितने टाइम के लिए आपने इंजेक्टर को ओपन रखा, तो टाइम पीरियड फॉर वन इंजेक्शन, फॉर वन इंजेक्शन, ये इनका मल्टीप्लीकेशन है, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर सिंपल भाषा में हम इसको बात करें तो ये क्या होगा, सी डी एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इंटू व्हाट टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल एक एक करके हम चीजों को समझ लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां समझ लो, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, है ना,
तो इसको VF से ग्रुप करेंगे। सबसे पहली चीज तो फ्रेंड, एक चीज तो हम क्लियर है यहाँ से कि मान लो ये आपका कोई इंजेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे सिलेंडर है, तो जो पी इंजेक्शन है यहाँ से जो आपका क्या होगा फ्यूल निकलेगा, यहाँ पे क्या रहता है हॉट कंप्रेस्ड एयर रहती है। ये बेसिक मैकेनिज्म काफी बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँ। तो हॉट कंप्रेस्ड एयर है फ्रेंड, तो मान लो प्रेशर इन सिलेंडर बिकॉज ऑफ हॉट कंप्रेस्ड एयर इज पी सिलेंडर, और जिससे आपने इंजेक्ट किया है प्रेशर से फ्यूल को, मान लो उसका प्रेशर है पी इंजेक्शन, सिंपल। तो पी इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन प्रेशर है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंजेक्शन प्रेशर, ठीक है ना, और ये क्या है सिलेंडर प्रेशर, सिलेंडर प्रेशर, ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस, या हम बोले इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस। फ्रेंड एक चीज को ध्यान रखना हमेशा, आपका पी इंजेक्टर इज ऑलवेज लेस देन द, ऑलवेज सॉरी ग्रेटर देन द पी सिलेंडर, तभी आपका ये मतलब रहेगा, कोई अदरवाइज के आपका प्रॉपरली फ्यूल मिक्स नहीं हो पाएगा, कम्बिसिबल मिक्सर नहीं बन पाएगा, बर्न नहीं हो पाएगा। पी इंजेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पी सिलेंडर, जिसको बोलते हैं डेल्टा पी इफेक्टिव, डेल्टा पी इफेक्टिव, सिंपल, ठीक है। अब प्रेशर एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू, अगर हम बात करें इसकी, प्रेशर एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू, कितना प्रेशर एनर्जी होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा पी इफेक्टिव, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे पी इंजेक्शन माइनस पी सिलेंडर अपॉन फ्रेंड व्हाट, यहाँ पे क्या रहेगा 2F, और वी कैन से वी एफ स्क्वायर बाई टू, इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड जब हम बात करें मतलब प्रेशर एनर्जी इनसाइड द सिलेंडर कन्वर्टेड टू, तो मैंने इसको ऐसा किया क्यों है, देखिए ये प्रेशर एनर्जी को क्या, देखो प्रेशर एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैंने क्या है प्रेशर एनर्जी को किसके इक्वल लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी के। प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द सिलेंडर, दैट्स व्हाई आई इक्विट द इक्वेशंस। तो यहाँ पे वी एफ क्या आ जाएगा, वी एफ विल बी इक्वल टू टू इंटू प्रेशर इंजेक्शन माइनस प्रेशर सिलेंडर अपॉन वॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आ जाते हैं टाइम को, टाइम को और देख लेते हैं, ठीक है ना। टाइम पीरियड फॉर वन इंजेक्शन, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड की अगर हम बात करें फ्रेंड, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने फ्यूल को सप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर, टाइम पीरियड फॉर वन इंजेक्शन, ठीक है ना, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है लीनियर वेलोसिटी और डिस्टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है, डिस्टेंस इक्वल टू आर वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इन केस ऑफ लीनियर, है ना, लीनियर केस में यही तो होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका क्रैंक एंगल घूम रहा है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन देखा जाता है, यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा क्या हो जाता है, किसके इक्वल है रोटेशनल मोशन, डब्ल्यू इंटू टू, ठीक है ना। तो ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है ना, वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी जाएगी, ठीक है, यहाँ ये क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। तो फ्रेंड मान लो पाई रेडियन में कितना 180 डिग्री होता है ये पता है आपको, ठीक है ना, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगा, रेडियन के टर्म में लिख रहा हूँ 180 रेडियन, ठीक है ना, सिंपल, 1 डिग्री में कितना रेडियन, और थीटा डिग्री में कितना घूमेगा, थीटा डिग्री में कितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पाई थीटा अपॉन 180, यही तो होगा, ठीक है ना। तो थीटा इज क्रैंक एंगल, यहाँ पे देख लिख लो साहब, थीटा क्या है क्रैंक एंगल है, कंफ्यूज मत हो, क्रैंक एंगल देख रहा है, तो आप पर्टिकुलर क्रैंक एंगल कितने रोटेशन तक आप उसको ओपन रख रहे हैं, उसलिए क्रैंक एंगल के टर्म में आप टाइम को देखते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन ओवर विच इंजेक्शन अकर, तो क्रैंक एंगल, या आप लिख सकते हो इसको डिग्री ऑफ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रोटेशन ओवर विच इंजेक्शन अकर, ठीक है ना। तो ये थीटा इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू टी, यहां से देखिए, तो पाई थीटा अपॉन 180 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इनटू दिस, इनटू ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम 2 पाई n/60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको 2 पाई n/60 लिखो फ्रेंड यहाँ पे, और यहाँ पे t की वैल्यू निकाल दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब आप t की वैल्यू यहाँ से निकालोगे देन द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इधर, t का जो आएगा थीटा बाई 360 इंटू 60 बाई एन, फ्रेंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक ये हो गई, एक
दूसरा टाइम वाला हो गया, कहते हैं टाइम के लिए आपने इंजेक्शन किया, वो आपने एंगुलर टर्म में निकाल लिया, क्रैंक एंगल के टर्म में निकाल लिया, एन जो है 2s हो या 4s हो, आपका एन की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे, आप कन्वर्ट मत कर देना, ठीक है, ज्यादा आप सोचना मत यहाँ पर, नहीं आप कन्वर्ट करके रख दो एन बाई टू, तो ये चीज याद रखना, थीटा बाई 360, 60 बाई एन, ये चीज आपके यहाँ तक क्लियर हो गई। अब नाउ कम्स टू, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब टोटल जो फॉर्मूला बनेगा आपका, तो क्यू जो हमने निकाला था, कितना वॉल्यूम आपका फ्यूल का इंजेक्ट हुआ, ठीक है ना, तो वो आपका जो एक्सप्रेशन था जस्ट हमने अभी देखा था, वो क्या था, टी डी इंटू ए इंटू वी एफ इंटू वाट टाइम, यहाँ पे आपका वी एफ क्या हो गया, सिंपल वी एफ जब भी आपको बोला जाए तो क्या रखोगे, टू इंटू पी इंजेक्शन माइनस पी सिलेंडर अपॉन फ्रंट रो एफ, ठीक है ना। टाइम पूछा जाए तो टाइम क्या रखना है आपको यहाँ पे, थीटा बाई 360 बाई, है ना, एरिया पता ही आपको, फ्यूल जो नोजल है उसका एरिया, तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, तो आपका ये क्या बता देगा, ये व्हाट इज दिस क्यू, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल, है ना, यहाँ से मेरे ख्याल से टर्म सभी का क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अ सिक्स सिलेंडर, आंसर आप लोग बताओगे, अ सिक्स सिलेंडर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, सिक्स सिलेंडर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन डेवलप 125 किलोवाट एट 3000 आरपीएम with a specific fuel consumption, ये लिख दे रहा हूँ BSFC, brevic specific fuel consumption 0.2 kg per watt hour। जिन लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस पैरामीटर लेक्चर नहीं देखा प्लीज वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि उससे कनेक्टेड है कुछ परफॉर्मेंस टर्म है, पैरामीटर टर्म है, तो वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कराऊंगा। विथ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन टू यू, कितना गिवन है फ्रेंड, is 0.85, ठीक है। इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल निकालना, निकालिए सॉल्व करिए इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मास ऑफ फ्यूल अगर हम निकाल लें, देखिए सिंपल है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, पहले हम मास ऑफ फ्यूल कितना है अप्लाई किया है जो, देखो पर साइकिल पर सिलेंडर निकालना है आपको, पर साइकिल पर सिलेंडर, ये चीज ध्यान रखना, जो आपको पूछा है ना पर साइकिल पर सिलेंडर पूछा है, तो हम डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ इससे आपको क्लियर हो जाए, BSFC क्या होता है, MF अपॉन BP, MF क्या हो जाएगा फ्रेंड, MF हो जाएगा आपका BSFC into this, BSFC given है और ये आपको 125 given है, लगभग 25 आपका हो गया kg per hour, ये kg per hour ये आपका फ्यूल हो गया कंज्यूम, जो भी है फ्यूल कंजम्पशन आपको पर सिलेंडर में पूछा आंसर, तो पर सिलेंडर में निकाल लेते हैं फ्यूल कंजम्पशन पर सिलेंडर, ये कितना होगा 25 डिवाइड बाई वॉट 6, क्योंकि 6 सिलेंडर इंजन है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवेन है, मैंने अपने तरफ से नहीं दिया, पर आवर पर सिलेंडर, ये प्रॉब्लम में गिवेन है सिलेंडर, है ना, प्रॉब्लम में गिवन है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करें फ्रेंड वॉल्यूम इंजेक्टेड पर मिनट बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या था, मास था, ठीक है ना, तो एम एफ था ये। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डिवाइड बाई वॉट डेंसिटी, सिंपल डिवाइड बाई वॉट डेंसिटी, तो पर मिनट में भी चेंज कर देते हैं, चलो डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी कर दो, तो 25 डिवाइड बाई ये 4.17 डिवाइड बाई 60, ठीक है, मिनट में चेंज कर दिया, क्योंकि मिनट डिवाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 850 फ्रेंड, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8.2 इंटू 10^-5 मीटर क्यूब पर सिलेंडर पर मिनट, सिंपल, ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम फिल इंजेक्टेड पर सिलेंडर पर मिनट है, लेकिन क्या है पर साइकिल पूछा है, साइकिल के लिए मिनट नहीं होना चाहिए,
तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ये चीज ध्यान रखना है आपको, यूनिट देखते चलना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइड करोगे तो किसमें बन जाएगा ये यूनिट, अब ये यूनिट बन जाएगी आपकी मीटर क्यूब पर साइकिल पर सिलेंडर। ठीक है, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकाल के देखना इसका, 0.5045 सीसी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलेंडर पर साइकिल, ये मिलेगा क्या, चेक कर लेना। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो फॉर पेट्रोल इज 15। व्हाट इज द एयर फ्यूल फॉर मैक्सिमम पावर, तो ऑब्वियस सी बात है स्टोइकोमेट्रिक है तो रिच मिक्सर चाहिए। रिच मिक्सर मतलब आपका 15 से कम, एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। फुल स्ट्रोक डीजल इंजन है रनिंग एट 2000 आरपीएम हैज एन इंजेक्शन ड्यूरेशन ऑफ 1.5 मिलीसेकंड कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन ऑफ रेंज। अरे इसको सॉल्व करो तो टी क्या है, थीटा बाई 360 इंटू, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के। ठीक है, आईएएस के क्वेश्चन है। तो टाइम कितना है 1.5 मिलीसेकंड, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। थीटा आपको निकालना है 360 और 60 बाई रेवोल्यूशन कितना दिया है 2000, तो इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 18 डिग्री आएगी। सिंपल है, ये फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखा था, टाइप भी करवाया था। वेयर डज मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन में कहाँ पे मिक्सिंग होती है फ्यूल एंड एयर की, बताइए कहाँ पे होती है। आंसर बोलिए, आप भी पार्टिसिपेट करो यार, आंसर क्या होगा, कहाँ होती है, इंजेक्टर पंप में होती है क्या, इंजेक्टर में होती है या इनलेट मैनिफोल्ड में होती है, इंजन सिलेंडर में, कहाँ पे होती है फ्रेंड, गिव मी द आंसर सी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर, देखिए होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप हॉट कंप्रेस्ड एयर होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में, उसमें आप क्या करते हैं फ्यूल को इंजेक्ट करते हो, तो मिक्सिंग तो यही पे हुई ना, इंजन सिलेंडर में, इंजेक्टर में नहीं होगी भाई। फ्यूल एंड एयर मिक्सिंग इन केस ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है ना मोहित, राइट। अगर आपको यही चीज मैं पूछता कि फ्यूल एंड एयर की मिक्सिंग इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन कहाँ पे होती है, तो आप क्या बताते, कार्बोरेटर। ठीक है ना, समझिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, है ना। पिस्टन कंप्रेशन रिंग किसकी बनी होती है, ये कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। पिस्टन कंप्रेशन रिंग जो पिस्टन पे चढ़ी रहती है इस तरीके से, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आज थोड़ा सा कम कराए, तो कल प्लीज, कल कल जो लेक्चर है इंजन इमिशन और वो सब तो मैं बताऊंगा ही आपको, इंजन इमिशन और टाइप, कल का जो लेक्चर है हमारा उसके साथ मैं कल आपको कार्बोरेटर के कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ इंजेक्शन सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा फ्रेंड, कल का लेक्चर आप मिस मत करना प्लीज, है ना, कल का लेक्चर हमको करना है। दूसरा 10 to 11 मेरी क्लास है टेलर्स टू लाइफ की, तो उसको करिए, स्पेशल क्लास है, उसको भी अटेंड करना है आपको। ठीक है, इसी ध्यान रखिए। तो कल का जो लेक्चर होने वाला है इंजन इमिशन एंड एयर कंट्रोल, कल मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्यूल फ्लो एनालिसिस जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, ये टॉपिक भी कल कवर होगा आपका। साथ में कल मैं कुछ क्वेश्चन कार्बोरेटर के कराऊंगा, कि आज टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया, आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करूंगा। ठीक है, और सुपर चार्जिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम एंड में लूंगा मैं, तो ये दोनों जो आने वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा साथ में मैं, आज का टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए आज मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पा रहा, कल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है ना, दूसरा ये टूल मटेरियल एंड टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन पे मेरा कल लेक्चर है 29 सितंबर को, तो इसको भी आपको देखना, फॉलो करना 10 to 11। ओके ओके, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। तो आज के लिए इतना था, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर लिसनिंग मी, और अगर कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप। और अनअकैडमी देखिए, मैं आपको बताऊँ अनअकैडमी अपनी फीस हाइक करने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ से फीस भी हाइक हो जाएगी, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें, उसमें और भी एडवांटेज है। ठीक है ना, तो आइकॉनिक एक सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा, वहाँ पे अच्छा गाइडेंस मिलेगा आपको, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस महीने के बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी, हाइक हो जाएगी। तो ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ठीक है ना, और अगर आप मेरा कोड डाल दो GSUS तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है फ्रेंड। ठीक है, इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ठीक, थैंक यू, आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ।